गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मजे में है? कैसी गुजरी जिंदगी? हाँ भाई, किसी की जिंदगी में खुशियां भरी हैं, किसी की जिंदगी में हल्के हल्के से गम के छींटे आते रहते हैं, और किसी की जिंदगी खौफ और हिरास से भरी हुई। आपको पता है, सबकी जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा फेज होता है जिसमें उसको खौफ होता है किसी ना किसी चीज़ का। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छोटे थे तो हमें खौफ होता था हमारी सपली ना आ जाए, हम फेल ना हो जाए। फिर थोड़े से और बड़े हुए और ज़रा दुनियादारी की समझ आने लगी, फिर खौफ होता था लम्बिया हमारे अम्मी अब्बू को कुछ ना हो, बस वो उनका साया हमारे सर पर हमेशा सलामत रहे। फिर खौफ होता था हाय अजीब सा रिश्ता ना आ जाए, गलत घर में ना चले जाए। फिर और भी ज़्यादा खौफ होते थे, नौकरी ना मिलने का खौफ, अच्छा फ्यूचर ना बनने का खौफ। मतलब कि जब आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हो तो आपके वक्त के साथ साथ आपके खौफ चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मियाँ किसी और को ना पसंद कर ले, मियाँ नाराज़ होकर घर से निकले, ऐसा ना हो कि वो दूसरी शादी कर ले, और पता नहीं क्या क्या खौफ। ख़वातीन को तो कुछ ज़्यादा ही खौफ हो रहे होते हैं। वो मुझे आज तक मतलब मुझे आजकल बड़ी लिफ्ट नहीं करा रहे, मुझे लग रहा है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। अच्छा, बच्चों का खौफ शुरू हो जाता है तो मियाँ का खौफ थोड़ा पीछे चला जाता है। बच्चे स्कूल गए, अल्लाह खैर आफियत से घर पहुंच जाए, हाय बच्चे बीमार हो गए, कुछ और ना हो जाए, ये खा लिया है, पेट ख़राब हो गया है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, बहुत सारे खौफ होते हैं। फिर उसके बाद नई जगह शिफ्ट हुए हैं, कहीं डकैत ना आ जाए, चोरी ना हो जाए, बहुत सारे ऐसे, मेरे कोई गन पॉइंट पर मेरा मोबाइल ना छीन ले। तो इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में हर कदम पर खौफ ही खौफ है, खौफ ही खौफ। फिर एक और खौफ जो आम इंसानों को बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर आप जब कहीं खाने पीने जाते हैं अपने फैमिली के साथ, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो आपके सामने कभी फ़कीर आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाते हैं, और आपको खौफ होता है। अब आप सबको नहीं, सबकी तो नहीं वो कहते हैं ना कि ख्वाहिश पूरी कर सकते, या कभी आपके पास पैसे नहीं होते, कोई ऐसा सिनेरियो होता है, क्योंकि वहाँ तो एक रश लग जाता है ना फ़कीरों का, एक को दिया तो पूरी एक लाइन आ जाती है। फिर कभी कभार तो मतलब आपको गुस्सा आ रहा होता है कि क्या करें, आप खाना खाने आए हैं बाहर और आप बस फ़कीरों में लगे हुए। तो मैं तो यासिर को कहती हूँ, प्लीज़ यार किसी का दिल नहीं दुखाना, कुछ किसी को हार्श बात नहीं कहना। होता है ना कभी कभार आप हार्श हो जाते, आपको डर लगता है भाई कहीं वो बदुआ ना दे दे। अक्सर ऐसा होता है कि लाइक आप सोचे समझे बगैर ही कुछ ऐसा कह देते हैं कि दूसरे हर्ट होता है और उसकी आह निकलती है, उस बदुआ से आपको डर लगने लगता है। ये भी एक बहुत बड़ा खौफ है। अक्सर आप देखें ना ड्रामों में ये दिखाया जाता है कि कभी कभार जो है वो आप चेंज होते हैं, आपके चेंज होने की वजह से आपके अंदर एक कलफ लग जाता है, आपकी वो कहते हैं ना सरिया आ जाता है गर्दन में, ये भी कहा जाता है, और उसकी वजह से आप ना जाने कितने लोगों को हर्ट करते हैं, और उस हर्ट करने की वजह से जो वाकई दिल से हर्ट हुआ होता है उसकी आह निकलती है, उसकी बदुआ लग जाती है। और ये खौफ बहुत सारे लोगों को खुदा बनने से रोकता है, बहुत सारे लोगों को इंसानियत के ज़ुमरे में रहने की ताकीद करता है। बहुत सारे लोग बदुआ से डरते हैं और इसीलिए वो बहुत अपने आप को डाउन टू अर्थ रखते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं वो ये भूल जाते हैं कि बदुआ भी कोई शय है, कि बदुआ भी कोई लगने की चीज़ है। इसकी बदुआ क्यों लगेगी? अगर इसकी बदुआ लगनी होती अपने लिए दुआ करके कुछ ना कुछ बन जाता। तो उन सब के लिए जिनके दिल में खौफ नहीं है बदुआ लगने का, मैं तो कहूँगी कि आपको ये खौफ एक अच्छा इंसान बना देता है। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप अपनी बीवी बच्चों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, लाइक आसपास के लोगों के साथ, अगर आपके दिल में ये खौफ होता है ना बदुआ का, आ का, कि मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे अनजाने में ही कोई चीज़ ना हो जाए, आपको ये एक अच्छा इंसान बना दे। तो आई थिंक सो ये बदुआ का खौफ इंसान के दिल में होना चाहिए ताकि वो उसको ग्राउंडेड रखे, वो उसको ज़मीन से करीब रखे, चाहे वो कहीं भी पहुँच जाए लेकिन उसके अंदर एक आजजी रहे। इसीलिए
इसीलिए कि इस आजजी की बिरते पर वो इंसान को इंसान समझेगा, वो खुद खुदा नहीं बन जाएगा, चाहे वो कितना भी ऊंचा हो, आसमान छू रहा हो। जनाब, ये मैं बदुआ की बात आज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक सो जो आज ड्रामा शुरू होने वाला है रात 8 बजे ARY से, उसमें बदुआ का जिक्र है, क्योंकि उसका नाम ही बदुआ है। और शायद कोई ऐसी नसीहत आप इस ड्रामे से ले पाएँ एंटरटेनमेंट के साथ साथ कि आपकी ज़िंदगी का परसेप्शन चेंज हो जाए आपको लेकर। जी, आज रात कितने बजे, 8 से लेकर 10 डबल एपिसोड आप देख सकेंगे बदुआ का। और उसकी मेन लीड कास्ट हमारे साथ आज मौजूद है, जो आपको बताएगी कि उन्होंने ये ड्रामा क्यों साइन किया, आप ये ड्रामा क्यों देखें। आइए, आपकी मुलाकात सुबह सुबह कराएंगे मुनीब एंड अमर से, जो कि उसके मेन लीड्स हैं, और उनसे इस ड्रामे को हल्का सा आपको टीज करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जैसे कि मैंने आपको बताया, आज से ARY डिजिटल पे एक नया ड्रामा सीरियल शुरू हो रहा है, जिसका नाम है बदुआ। और बदुआ, ये किसकी बदुआ है, किसको लगने वाली है, क्या सोशल इशू को लेके ये ड्रामा बनाया गया है, ये तो जब हम इसमें मौजूद जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको बुलाकर पूछेंगे। थोड़ा सा आपको आज हमने टीज करना है। आज रात 8 से 10 तक ARY पे आप देख सकेंगे बदुआ, और इसमें जो लीड एक्टर्स हैं वो आज हमारे शो पे मौजूद है। आइए उनको दावत देते हैं, जिस एक्टर को मैं अभी बुला रही हूँ। जी, लड़कों के लिए कहा जाता है हैंडसम, लेकिन इस लड़के के लिए खूबसूरत कहा जाता है। हैं भाई खूबसूरत और टैलेंटेड एक्टर, जिनको आपने 2012 से एक्टिंग करते हुए देखा मुख्तलिफ ड्रामों में, जैसे गैरत, बेकसूर, कोई चांद रख, कैसा है नसीबा, मुझे विदा कर, ये हैं इनके टॉप ड्रामे। और इसके अलावा हल्ला गुल्ला, इश्क 2020 जैसी फिल्म्स में भी इन्होंने अदाकारी के जौहर दिखाए। आइए वेलकम करते हैं मुनीब भट्ट। आप भी वही लड़के थे जिन्होंने अपनी बेगम से कहा था शादी पे मैं ज्यादा खूबसूरत लगूंगा या तुम? नहीं नहीं, बेगम हमेशा से ज्यादा खूबसूरत है, उसमें तो कोई दो राय नहीं। क्यों होता है ना कि आप बताएं, आप बताएं ना, आप जज कह रहे हैं, आप भी तो आई थी। दोनों ही अच्छे लग रहे थे, मेड फॉर ईच अदर, मेड फॉर ईच अदर, ये तो है। तो जी, हम आपके साथ जो आपकी इस ड्रामे में हीरोइन है अमर खान जी, जिनके बारे में मैं आपको कहना चाहूंगी कि मतलब 4 से 5 साल से इस इंडस्ट्री में, लेकिन अपनी एक्टिंग की जौहर दिखा के आपको ऐसा बना दिया है कि जैसे बहुत पुरानी मजी हुई एक्ट्रेस है। बेलापुर की डायन, गुग्गी, उस्तानी जी, कयामत, दिले गुमशदा जैसे ही ड्रामास में इन्होंने आपको, आपने इनको देखा है, और अब आप इंशाल्लाह बदुआ में देख पाएंगे। वेलकम करते हैं अमर खान। अस्सलामुअलैकुम, क्या हालचाल है? ठीक ठाक, कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक कैसी? अच्छा, जब मैंने तुम लोगों के ड्रामे के प्रोमोस, टीजर्स वगैरह देखे, मैंने कहा यार इतनी डिफरेंट कास्टिंग की है, तुम लोग पहले एक साथ कभी नहीं आया आई गेस। एक हमने टेलीफिल्म की थी। हाँ, मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि लाइक ड्रामों में अगर आप डिफरेंट कास्टिंग देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एक्टर्स को इकट्ठे देख रहे होते हैं, तो आपको मजा आता है, फ्रेशनेस का एहसास होता है। और दो इतने बातूनी एक्टर्स को जब देखते हैं तो आप सोचे फिर कितना मजा आता है। बात करी, मैं तो खामोश रहता हूं, आपने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। ये आपको अभी पता चल जाएगा, आप प्लीज बैठे। थैंक यू। क्या इधर दोनों का यही एंगल अच्छा है? किस एंगल से अच्छा शूट आएगा? मैं तो बैठ गई, जिस एंगल से अच्छी आती है। आप तो हर एंगल से अच्छी आते हैं ना, ये तो हम जैसे यही ना, हमने ऑप्शंस रखे हुए भाई, जिसने जिस एंगल पे बैठना चाह रहे हैं उसी एंगल बैठे। आज से आप लोगों का ड्रामा शुरू हो रहा है जी, 8 से 10 डबल एपिसोड, अति डबल एपिसोड ना बदुआ का जी। तो किसने किसको बदुआ दी है भाई, क्या हुआ है? अमर आप बताना चाहें। मैं तो नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये हमारे फर्स्ट 3-4 एपिसोड का राज है कि बदुआ एक्चुअली किसको लगती है, कौन देता है, तो ये हम डिस्क्लोज। अच्छा, शुरू के ही मैं आपको बताऊं, एडिट होके जो है ना, वो शुरू के जो जो फर्स्ट एपिसोड जो आज चलनी है ना, उसी के अंदर आपको पता लग जाएगा, क्योंकि वो 3-4 एपिसोड अब 2 बन गए कट के। ARY की बड़ी अच्छी बात है, मैंने देखा, मैं दूसरे चैनल्स की भी ड्रामे देखती हूँ कि पानी नहीं मिलाते सालन में ना, वो क्रिस्प करने की वजह। बिल्कुल बिल्कुल, बल्कि कुछ तो निकाल भी देते हैं। हाँ, बहुत जरूरी है। ड्रामा जो है वो चलता ही फास्ट पेस है, अगर जरा सा भी ड्रैग होगा तो फिर आपको पता, ऐसे तो रेटिंग नहीं आती।
आप गुरु हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, चले आप ये नहीं बता रहे कि किसकी बद्दुआ है, किसको लगती है, क्या खुद डरते हो कभी किसी चीज से, लाइक बद्दुआ टाइप चीज से, कोई बद्दुआ से? हाँ, कोई डर है तुम लोगों को, कुछ खौफ है? जाहिर सी बात है, नहीं बद्दुआ तो लगती है, डिपेंड करता है कि किसकी, मजलूम की होगी तो फौरन लगेगी। अब एक तो वो बद्दुआएं भी होती है ना जो मम्मी नाराज होता बोलती है अच्छा जाओ तुम लोग ये ना हो, वो तो बिल्कुल ही लगती है अम्मी अब्बू की। एक सोशल मीडिया पे भी होती है बिला वजह की भड़ास वाली बद्दुआएं, वो भी तो बद्दुआ, तुझे ये हो, तुझे अल्लाह वो करे, तुझे सोशल मीडिया के यूजर्स लोग ये भी कहते हैं तुम्हें कोरोना हो, आई मीन आप मासूम लोगों को जज ना करें यार, वो बड़े मासूम लोग हैं। कमेंट्स मैंने पढ़े हैं भाई अमर, तुम बात करी, मुझे तो कोरोना हुआ था तो मुझे बहुत सारे लोग दुआएं देते, 20% लोग कहते अच्छा मर जाए कोरोना में, इसी कोरोना में मौत आए यहाँ बैठ गई है। तो वो तुम डरते हो कि बद्दुआओं से? नहीं, हाँ बिल्कुल डरते हैं, डरना भी चाहिए और इसी डर को दिल में रख के जो है वो किसी के साथ गलत भी नहीं करना चाहिए कि भाई खास तौर पे जो मजलूम है या गरीब लोग हैं या जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे हैंडीकैप हैं उनकी बद्दुआ जो है क्योंकि वो अल्लाह ताला से बहुत ज्यादा करीब होते हैं, उनकी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए। वाकई होता तुम्हारा क्या? अगर आप देखें नीता, हमारी माएं हमारी नानियां हमें बचपन से ये सिखाती हैं कि बेटा किसी की बद्दुआ ना लेना, किसी का दिल नहीं दुखाना। क्या बात, क्या आपकी किताब कब आ रही है? यही जैसे ही कोरोना खत्म होगा पब्लिश। अच्छा मैंने सुबह सुबह ये कहा कि एक खौफ तो होता है कि आपको कोई बदुआ ना दे दे जी, और भी बहुत सारे खौफ होते हैं ना जिंदगी में, और किसी को ऊंचाई से खौफ होता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को आपको किसी से डर लगता है? आप अपना बताएं, हमारा छोड़े, आपको किसी से डर लगता है? मुझे किस चीज से डर लगता है? फोबियाज बताएं। मुझे डर लगता है कि मेरे मियां दूसरी शादी ना कर ले। ये डर होना चाहिए, ये डर तो हर खातून में होना चाहिए, और इससे आपको पैम्पर करना चाहिए अपने हस्बैंड को, आपको ख्याल रखना चाहिए, इतनी मोहब्बत देनी चाहिए कि वो उनका दूसरी तरफ माइंड भी डर लगता है। मुझे ये डर तो रखे, मुझे मोटापे से डर लगता है कि मैं बहुत मोटी ना हो जाऊँ कि बस फिर मेरे घुटनों में दर्द और ये वो एक बढ़ती भी एज के साथ। मैं बताऊँ मुझे तो आजकल सोशल मीडिया से डर लगता है, क्योंकि हमें जितनी दुआएं मिलती हैं प्यार भी बहुत मिलता है। देखिए जो 99% प्यार है हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते 1% की खबासत जो होती है उसकी वजह से, लेकिन वो जो 1% की होती है ना वो कभी कभी बड़ी स्कैरी होती है। और फिर ऐसा भी होता है ना निदा, हमारे फैमिली भी होती है इंस्टाग्राम पे कि वो पढ़ेंगी, हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, हमने तो एक शील्ड पहनी हुई है, वो कभी कभी पढ़ लेते हैं तो उनको थोड़ा सा यू नो मेरा इम्यून हो जाओगी। माशाल्लाह मैं तो हो गई, तुम हो गए हो इम्यून? मैं तो शादी के टाइम पे ही हो गया। मेरे बुरा लगने वाले जो फील करने वाले, मैं भी तुम्हारे 11 इवेंट्स पे थी लेकिन मुझे भी टाइम नहीं। आपने मेंशन करके अच्छी बात की कि जो लोग भूल गए थे आप। नहीं इसमें इस बार ट्रेनर, इसमें तो कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, हमारी मर्जी। आपने तो क्या कितनी 1100 तो कर चुके हैं इवेंट अभी तक शादी के, तो मतलब हमारी मर्जी है, हमारी शादी है, हम 11 इवेंट, शादी एक ही दफा होती है यार, भरपूर एंजॉय करनी चाहिए तुम्हारी जिंदगी। मैंने तो बहुत शादी को फैंटेसाइज किया बड़ा चाहिए ना, मैंने खुद अटेंड किया है मुनी वेमन की शादी, इतना बड़ा दिल भी तो होना चाहिए ना। बड़ा दिल होना चाहिए, प्रॉब्लम है ये दिल बड़ा होता। अच्छा पता है, मैं मुनीब के बारे में एक ऑन एयर बात कहूंगी, अभी जैसे मिनाल की शादी हुई तो मुनीब माशाल्लाह इतना कोई ये वार्म होस्ट है कि ये इतना मतलब दिल चाहता है इसके इवेंट्स पे जाने को, ये इतना ख्याल रखता है सारी छोड़ के सबको, एक एक को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहा था, और मुझे ये हो रहा था कि यार दामाद हो तो ऐसा हो, मैं देख रही थी सबको पूछना, मतलब वाह 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 मुनीब जी, तो मैं ये कॉम्प्लीमेंट करूंगी कि दामाद होते हैं ना उनके कलफ लगा हुआ होता है, रेड कार्पेट बिछाओ उनके लिए, लेकिन ये बेटा बना हुआ था उधर, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। मैंने दुआ की अल्लाह दामाद हो तो ऐसा होना चाहिए, मेरा भी अगर हो। मुझे लगता है कि इंसान को जो है ना वैसा होना चाहिए जैसा आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं। जैसे मेरी भी बेटी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसा एक्ट करूँ या मैं ऐसा बनूँ कि जैसा मैं चाहूंगा कि मेरी बेटी को शोहर मिले। तो मैं इस वजह से, और मुझे लगता है ये कफाते अमल है, अगर आप मगर मैं अपनी बेगम के साथ कुछ गलत करूंगा तो जाहिर सी बात है मेरी भी बेटी है, आगे अल्लाह ताला का निजाम तो आपको पता है कि आप जो करोगे आपको वो मिलेगा। नहीं एक तो मैं तुम्हारे लिए कॉम्प्लीमेंट तुम्हें देना चाहूंगी कि बहुत मेहमान नवाज है, मतलब वहीं पे बैठे वहीं पे खाना लगवा दे, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में जिस तरह होता है ना, जिस तरह कहा जाता है मेहमान नवाजी, ये बिल्कुल मुंह बोलता सबूत है, मतलब समझे कि ट्रेडिशनल वो है। हाँ मेरी शादी भी, मैं कल पता नहीं हम किससे डिस्कस कर रहे थे, मैंने हमने ऐसी शादी और ऐसा हमने किया था कि बिल्कुल प्योर पाकिस्तानी प्योर पंजाबी वेडिंग, बिल्कुल मैंने इस तरह से हमने वो, इसलिए मैं तुम्हारे इसके इन लोगों के इवेंट्स होते ना मैं जरूर टाइम निकाल के जाती हूँ,
इनके बेटे ने जो बर्थडे में एंजॉय किया, मैंने उसको हाथ पकड़ के पहला चलाया, मैला भाई तू बस कर दे बेचारा, तो जा ही नहीं रहा था बलाज के। इतने दिनों बाद की बर्थडे हुई थी, अमल की बर्थडे थी तो इतने दिनों बाद हुई थी, तो वो तो कह रहा था मुझे घर ही नहीं जाना, बस करो पसीना, वो बेचारा पसीना पसीना। मैंने इनको बिठाया पंखे आगे, मैंने बेटा आप बैठो थोड़ी देर, पानी पी थोड़ा रेस्ट कर लो, इजी कहीं नहीं जा रहे हम। है अमल की बर्थडे की पिक्चर्स है, अच्छा शादी की, भाई अमल के हमने ना चीजें जमा की हैं, जो ये अब्बा को मैंने देखा था, हम अमल को बेबी सिट भी कर रहे थे भाई, वो उसको संभाल भी रहा था, अरे व्लॉग्स भी बनाते हैं, इतना एनर्जेटिक स्टार मुझे नहीं लगता। इमरान अशरफ है वो भी बहुत एनर्जेटिक है, लेकिन ही इज ऑन समथिंग एल्स, है ना, दिखाओ अमल की पिक्चर्स, दिखाओ उसका जिक्र हो रहा है तो मुझसे भी पूछे। हाँ अमल की दिखाओ, अमल की ये देखो क्यूटी पाए माशाल्लाह, माइयों पे इन्होंने गरारे पहने, ये तुम्हें तैयार होके दिखाती है मुनीब की, देखो मैं कैसी, मतलब होता है ना बड़ी बेटियों का जी, काम जी, होता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल में ये जब की है, ये जब इमन के घर पे माइयों था, तो इमन के घर पे ही रेडी हुई थी अमल, तो मैंने उसी वक्त देखा था जब मैं इवेंट पे गया था। ये वलीमे की है शायद जी, ये वलीमे की, यहाँ पे अमल ने मुझे बहुत दौड़ाया, क्योंकि बाहर ओपन एयर था, तो हर थोड़ी देर बाद अमल को हम माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये अच्छा, ये जो इसकी चॉइस होती है कपड़ों वपड़ों की, वो कौन एमन करती है कि तुम एमन का, तुमसे मशवरे करते हैं, ईद के कपड़े पर हम साथ लेते हैं, बाकी ये जो इवेंट के थे ये तो डिजाइनर से बनवाए थे ना, ये बहुत वायरल हुई थी इनकी, जानू नाल से बहुत प्यार करती है अमल, बहुत बहुत ज्यादा, उसको लगता होगा कि मतलब लाई एक ही जैसी लगती होगी शुरू में, प्रॉब्लम ये तो वो बड़ी होगी बताएगी, मुझे तो नहीं पता, नहीं शुरू में प्रॉब्लम भी नहीं होती थी नहीं, वैसे अगर जैसे हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं या कहीं हम ट्रिप पे जा रहे हैं और दो तीन दिन के लिए या कुछ देर के लिए मिनाल के पास छोड़े, तो हम बिल्कुल टेंशन फ्री होते हैं, मगर उसके साथ बहुत सुकून से रहती है। फायदा है यार, जुड़वा बहन होने का, अब तो उसकी शादी हो गई, अब तो वो अपने घर चली गई, लेकिन ये कि जब वो घर पे होती थी तो फिर हम बड़े टेंशन फ्री होते थे। ओ ग्रेट, मिनाल से इसको संभाल, तो थकान उतरी शादी की, बस उतर रही है आहिस्ता आहिस्ता, थकन बाद में उतरेगी, वेट उतारना है पहले। मैंने तो पूरे 6 दिन में समझे कि 5 इवेंट्स और फिर एक घर का, 6 दिन बाहर का खाना और बाहर, और वो भी शादी वाला खाना, तो थोड़ा जब लास्ट में इन्होंने डिनर रखा, एहसन की जो बहन है जमीन, उन्होंने डिनर रखा, मैंने बोला इमन प्लीज इनको बोलो आगे कर दें, एक तो मेरी शूट भी है और प्लीज बहुत बहुत खाया हुआ है, अभी बाहर का खाना थक गए हैं यार, थोड़ा सा आगे करो, थोड़ा मतलब रोज ही मिल रहे हैं, थोड़ा एक दो तीन दिन तो छोड़ो, शक्लें मिलना शुरू हो जाती है ना, रोज मिलना शुरू हो जाते, शक्लें मिलना शुरू हो जाते हैं, आप रुके थोड़ा सा नेक्स्ट वीक करेंगे, बड़ा मतलब बहुत थका देने वाला लेकिन बहुत मजेदार यादगार इवेंट। अपनी शादी में आप इतना एंजॉय नहीं कर पाते क्योंकि आप खुद दूल्हा बने हुए हैं, शेरवानी मैंने पहनी हुई है, मैं जी यूं बैठा हूं, आप YouTube की वीडियोस नहीं ना बना पाते अपनी शादी दूसरों की शादी में आप चुन चुन के जो सारी चीजें यार, मैंने पहले मैं आपको बताऊं, मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने ऐसी मैंने सोचा चलो चलो करते हैं, लेकिन अब मुझे इतना मजा आता है व्लॉग बनाने का, इतना मजा आता है, और वो जब हम उसको देखते हैं उस वक्त मुझे इतना मजा आता है कि मतलब मैं मुझे अपने व्लॉग्स बहुत पसंद है। अच्छा तुम अमर जाती हो, शादी होती है सेलिब्रिटीज वगैरह की तो तुम जाती हो, रख रखा हुए हैं, बहुत सारे लोग नहीं निकलते कि हिम्मत नहीं है भाई, नहीं जो थोड़े जो बहुत मिलापू हो, मिलनसार हो, जिनके साथ बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो, जैसे इसके साथ और एमन के साथ मेरी बॉन्डिंग बड़ी अच्छी थी, तो इनके मैंने सारे शादी के इवेंट्स वो हंस रहे हैं, मैं बार बार ये कह रही हूं, मजाक में नहीं, सब हर जगह आई इन्होंने, कहीं पे भी मतलब हर जगह अमल ने जो है प्रेजेंस दी, लॉलीवुड नाइट से लेके शादी वाली, और मैंने एक्चुअली एंजॉय भी नहीं, मैं जब से कराची में आई हूँ आई डोंट थिंक मैंने किसी की शादी को इतना एंजॉय किया, वो तो है, और बड़े दिनों बाद पूरे पाकिस्तान ने एंजॉय किया, अभी तक लोग जो है अभी भी जब एहसन और मिनाल की शादी हुई है तो लोग मीम्स बना रहे हैं मेरी शादी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। उस टाइम पे असल में कोविड नहीं था और चीजें डिफरेंट थी, मौसम भी थोड़ा सा सर्दी थी, और क्या था कि नवंबर में मेरी शादी हुई थी तो सर्दी में आउटडोर इवेंट्स और इवेंट्स करने का ज्यादा मजा आता है, गर्मियों में थोड़ा मौसम और फिर बारिश भी चल रही थी, फिर इतनी सब वो ठीक है, मुनीब आपकी शादी ज्यादा अच्छी। अच्छा मुनीब तुम्हारी अम्मी, आप मेरी लड़ाई करवाते घर पे जाके, मुनीब मैं बताओ तुम्हारी शादी के वक्त जब सब चीजें वायरल हो रही थी तो तुम्हारी अम्मी को खौफ तो नहीं था नजर ना लग जाए, और वो होता है ना अम्माओं को खास तौर पे होता है, सदका दे रहे होते हैं, तो वो तो नहीं होता। अभी भी बड़े मजेदार कंपैरिजन हो रहा था
मैं यही तो आपको बता रहा हूँ कि वो कंपेयर कर रहे हैं किसी से, ये साफ कर रहा है एमन की, तो एमन ने बोलना शुरू कर दिया कि हाँ इतना अच्छा शॉट, इतना मैंने ला एमन एक तुम्हारे पसीना आ रहा है मैं साफ करता हूँ। वो इत्तफाक से एक दिन पहले वो ऐसा ने भी किया था, वो एमन ने देखा था, मैंने नहीं देखा, बोले देखो कॉपी कर रहा है, मैंने बोला मैं कॉपी बैन ही करता, ऐसा मुझे कॉपी करता। ये बहुत मजे की चीजें होती है, आहिस्ता आहिस्ता होगा। अच्छा अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि पेरेंट्स का अलग खौफ होता है ना, जैसे मैंने कहा तुम्हारी अम्मी को खौफ तो नहीं था नजर का, तुम्हारी अम्मी को किस तरह के खौफ होते हैं तुम्हें लेकर? हाय वो तो अम्माओं को ज्यादा ये खौफ होता है अपनी बेटियों को लेके, तो वो तो मेरा कोई नया ड्रामा आ रहा हो खास तौर पे सदका खैरात कुछ इस किस्म का, मेरी नजरें वगैरह उतारती है, मिर्चे लेके पानी के गिलास लेके नहीं आ जाती चारों गुल पढ़ के माए, तो अभी तक मुझे लगता है मैं उनके लिए बच्ची हूँ। और नहीं वैसे भी यंग ही है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वो तो मैं हूँ, लेकिन माँ का बता रही हूँ, अपनी बता रही कि माँ का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे बच्चियाँ जवान हो रही होती हैं और खूबसूरत हो रही होती हैं और तरक्की कर रही हैं तो होता है ना, हाँ नजर ना लगे उसकी एक्सप्रेशन चेक करें मुझे देख। अच्छा तुम्हारा तुम लोगों का ड्रामा जो रात 8 बजे से आज पहली डबल एपिसोड शुरू हो रहा है बदुआ, वो अगर मैं तुम दोनों से एक एक उसमें वर्ड में पूछूं कि लोग क्यों देखें, इसमें ऐसी क्या बात है क्यों देखें? भाई भाई बद्दुआ एक ऐसा कंटेंट है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर, जब आप देखेंगे ना तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बेसिकली उसी इसका जो मॉरल आइडिया उसका यही है कि भाई एज ही सो सो शैल यू रीप, अगर आप आज किसी के साथ बुरा करोगे और आप ये सोचोगे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा या मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा तो ये आपकी गलत फहमी है। एक ना एक दिन जाके आपको, अगर आपने किसी इंसान का दिल दुखाया है तो आपको दुनिया में ही आप के साथ ऐसे वाकयात हो जाएंगे कि आपको वो नजर आ जाएगी चीज, ये इसके अंदर वो है कि अगर आप, हाँ अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो फिर आपके साथ भी अल्टीमेटली बुरा ही होता है, यानी मकाफाते अमल है ना। बिल्कुल ऐसा ही, उसमें थोड़े सब कैरेक्टर्स हैं, कुछ अमर खान है, कुछ मुनी भट्ट है, कुछ मोहसिन है, थोड़े थोड़े मरियम है, तो मरियम नूर है, मोहसिन अब्बास हैदर है, महमूद असलम है, समीना अहमद है, कोमल रिजवी है, अब्दुल्ला एजाज है, सबा फैसल है, सबा फैसल है, अब्दुल्ला एजाज भी है जी, कोमल रिजवी, काफी सारी हमारी बहुत अच्छी मजे की कास्ट, सलमा हसन भी है, इतना अच्छा सबने काम किया है। और वो मैंने भी प्रीव्यू पे देखा है एक एपिसोड, आप देखें इतना मजे का है, एडिट पे देखा है हाँ, तो वो इतना मजे का है और इतना फास्ट पेस है कि आपको बहुत मजा। राइटर इसकी समीना एजाज और डायरेक्टर रामेश रिजवी, ओके अब देखेंगे आज रात डबल एपिसोड आप देख सकेंगे बद्दुआ का 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 2 घंटे आपके जो है ना बड़े मजेदार गुजरने वाले हैं। हाँ भाई तो हम ब्रेक पे जाएं, एक छोटे से वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले जरा बद्दुआ का टीजर मुलाहिजा फरमाइए। पाकिस्तान आज रात 8 से 10 आप बदुआ के डबल एपिसोड्स देख सकेंगे, आईजीन प्रोडक्शंस का ये ड्रामा है, डायरेक्टर है समीना एजाज, की राइटर हैं डायरेक्टर रामेश रिजवी हैं, और कास्ट आपको हम बता चुके हैं, दोनों मुनीब और अमर आज हमारे साथ मौजूद हैं, लीड कास्ट जो हमारे साथ बैठी हुई है, इसके अलावा आप देख सकेंगे मोहसिन अब्बास हैदर एंड मरियम नूर को। कुछ सवाल मैं इन दोनों से करना चाहती हूँ, दोनों के हवाले से, लेकिन ऐसे बैठे बैठे नहीं, खड़े हो जरा, इतने स्मार्ट लग रहे हो तुम लोग हैं भाई, तो यहाँ पे ये बाजर है, तुम लोगों से मैं कुछ सवाल करूंगी और उसका जवाब अगर तुम लोग, करंट तो नहीं लगेगा? नहीं करंट लगाने वाले कोई चीज नहीं है, कोई चीज मुझे भी यही लग रहा था, नहीं 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 नहीं, टच करके देख लो कोई करंट नहीं लगेगा। अरे कौन है, जवाब में दबा दो। ओके जिसको जो जवाब आता है वो पहले बजट बजा के जो इसका जवाब दे सकता है। मेरा पहला सवाल ये है, किसी से मोहब्बत क्या इजहार करने के लिए कोई 3 तरीके बताएं।
कैसे हो सकता है मोहब्बत का? देखो उसको ज्यादा आती है करनी, ये मोहब्बत का इजहार करने का सबसे तरीका ये है कि आप एक तो प्रपोज करें रिंग के साथ, दूसरा ये कि मैसेज पे बोलें कि मुझे शादी करनी है, और जब आगे से लड़की बोले किससे तो बोलो आपसे, और तीसरा सबसे मेरे साथ उम्रे पे चलेंगी महरम बनके ये भी बड़ी चलती है, ये अच्छी लाइन है। मैं आपको अपने साथ उम्रे पे लेने के जाना चाहता हूँ महरम बना के। ओहो क्या लाइन दी, ये डिफरेंट है बड़ा। और भी है आपका लास्ट नेम ब्लूटूथ नहीं, क्यों? आई एम फीलिंग कनेक्टेड। ये सारी पिकअप लाइंस तुमने याद की हुई है ना, है ना? भाई एक पॉइंट इज योर लास्ट नेम, आप सुन रहे हैं, इज योर लास्ट नेम वाईफाई, आई एम फीलिंग कनेक्टेड। एक पॉइंट गया मुनीप को। ओके जी नेक्स्ट सवाल, किसी को बताना हो कि आप मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है, उसके तीन तरीके बताए। सब मैं ही बता दूं? पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको। अमर आप बिल्कुल पसंद ही नहीं है भाई, पहले ही बात तो ये कि आप इग्नोर करें उसको, अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिला आपको बिल्कुल ही बुरा लगता तो इग्नोर करें। सेकंड ये व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दें, या आप अच्छे नहीं लग रहे आज किसी की आउटलुक पे आप कमेंट करें तो वैसे वो ना करें यार, अच्छा नहीं लग रहा, उसकी अपनी चॉइस है कपड़ों की। अच्छा इग्नोर करें, अच्छी चीज है। तो सही है ना, जब पसंद ही नहीं है, जब बात ही नहीं करनी तो नेगेटिव एनर्जी रखने की क्या जरूरत। तो फिर तीसरा नहीं बताया आपने, दो बताए अभी तक मुनीप। तीसरा ये कि आगे पीछे के दोस्तों को बोलो यार इस बंदे से बोलना कि उनसे बात ना सुने। मुनीप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देता बद्दुआ। देखिए मैंने आपको लीक दी है। ओ स्पॉइलर, यू लीक। आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे उड़ाने के कोई तीन तरीके। अरे पैसे उड़ाने के कोई कॉस्मेटिक्स में खर्च कर दो। हाँ उसके बाद ट्रैवलिंग। हाँ उसके बाद खाना पीना, ये तो हम औरतों की फेवरेट चीज। और ट्रैवलिंग पे जाए बगैर होटल बुक किए कराए हुए वॉकिंग होती है। ज्वेलरी आपने वही मिस कर दी, मेन चीज। पर कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी में आई थिंक कॉस्मेटिक्स मेरे लिए ज्यादा, सबसे ज्यादा जो पैसा खर्च होता है ना वो होता है ज्वेलरी में, क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा पैसा कौन सी आर्टिफिशियल ज्वेलरी में। नहीं वो आर्टिफिशियल पे तो वैसे आ जाती है, आपने आर्टिफिशियल चेन में नहीं, ये तो आपको पता है। सोने की ज्वेलरी में पैसा नहीं खर्च होता, सोने की ज्वेलरी में पैसा नहीं खर्च होता, वो तो सोना है, सोने का रेट है फिर बढ़ता है, तो बचाने के तरीके हैं। अच्छा हम उसको, मैं तो उसको उस तरह देखता ही नहीं ना कि गोल्ड ले है, हम तो ऐसे ही बस ये क्या बात है ले रख लो बस ये। अब मुझे ख्याल आया कि हाँ यार ये तो सही, रिचेस्ट मैन इन पाकिस्तान। अच्छा ओके गाइस बाय, शो खत्म। ओके रेडी हैं आप लोग जी? किसके किसका पॉइंट हुआ, ये अमर का? हाँ ओके। हाँ अम्मी के हाथों से मार खाने के कोई तीन औजार बताइए जी। अखबार रोल करके, अखबार रिमोट कंट्रोल और पास पड़ी जूती। वेरी डिफरेंट, ये लड़की बहुत भाई, ये तो बहुत, ये तो कोई अरे बड़ियों के लिए इजी सोचते हैं जब वो टीवी देखते हैं। हैंगर नहीं भाई, हमें नहीं कभी है हैंगर। मैं अपना बता रहा हूं यार, ये अखबार बड़ी जोर का लगता है, वाइपर बहुत जोर के लगता है, और क्या वो क्या कहते हैं उसको, बेलन रोटी बनाने वाला वो, और क्या पता नहीं कितने पॉइंट ले गई वो, उसने बजर बजाया। हां ओके, बचपन में सुनने वाली पढ़ने वाली डांटों की तीन वजूहात, मतलब क्यों पढ़, बता भाई क्यों? शरारतें, पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगाना, ओके, खाना ना खाना टाइम पे, हाँ, सुबह उठना ना, बंक करना कॉलेज, बस बहुत वजूहात हैं। मुनीप ने आपको इस वक्त अपनी सारी करतूत बता दी है कि उनको किन किन वजह से। तुम्हें पढ़ती थी वैसे डांट? नहीं मुझे कभी। तुम तो अच्छी पढ़ाई, मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, और मैं वैसे भी तंग करने वाला बच्चा, मैं भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था, फर्स्ट आता था नीचे से। ओके हाँ, बेगम शोहर को प्यार से पुकारने वाले जो है वो कोई तीन नाम बताएंगे। बजाने की क्या जरूरत है इसमें, बजाने की क्या बेगम को जब ज्यादा प्यार है तो शोहर को किन तीन नामों से पुकारती है? तीन नामों से, एक तो बड़ा प्यारा नाम होता है सुने, बजाओ नहीं डायरेक्ट, हां सुनिए सुनिए, बंदा कहीं सो भी रहा था जी बोली सोता उठ जाता ना बंदा इतने प्यार से, और क्या होता है, यही होता है, और जान मेरी क्या, बस यही है, हमें तो बस यही होता है। क्यों फील कर रहे हो, कोई इतना सर पा रहे हैं, मैंने तुम्हारी वजह से बजर नहीं बजाया, मैं अच्छे नाम बता सकती थी भाई। मेरी बेगम मुझे डायरेक्ट नाम से बुलाती है, मेरी बेगम मुझे डायरेक्ट नाम से बुलाती है, वो बहुत प्रैक्टिकल है, वो कोई जान प्यार भी आता है तो मुनी भी बोल, वेरी गुड, मेरे नाम में इतनी मोहब्बत है ना मुनी, देखिए आप जब आप करते हैं नाम मेरा नाम लें आप देखें आपके इस पे एक जो है वो आ जाएगी सॉफ्टनेस आ जाएगी मुनी। ये अच्छा सच्ची बताओ अमर, मुझे ऐसा अमर मैंने जो
ऑब्जर्व किया है मुनीब को जितनी दफा भी इंटरव्यू दिया है, ये थोड़ा सेल्फ ऑब्सेस्ड है ना अपने आप से, मोहब्बत ये अपना फेवरेट है ना। आई लव माय सेल्फ ऑब्वियस। भाई हम अपने आप से प्यार करेंगे तो दूसरे करेंगे ना, हम आप ही अपने आप से प्यार नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे। ये है टॉकेटिव, बहुत टॉकेटिव आई थिंक, सेल्फ ऑब्सेस्ड से भी ज्यादा। हां सेल्फ ऑब्सेस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड क्या हूं यार, ये अपना फेवरेट है। नहीं अपना फेवरेट हूं, इससे ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड एक्टर और हीरोज देखे हैं। हां अच्छा, तो ये मुझे इतना नहीं लगता। कौन किसी बात कर रही हैं आप, प्लीज आई वांट, उस वाले की नहीं, मैं आपसे चाहता हूं आप एक बाइट दे, प्लीज आप एक बाइट दे, उसका नाम स्टार्ट होता है, चाहता हूं एक क्लिप हमारी वायरल हो, आप प्लीज पे नाम नहीं मुनीब, मैं चाहती हूं कि आप ही वायरल रहे, मुझे वायरल होने का कोई शौक नहीं। ओके हां अच्छा, अब ये बताओ चलो, क्या हस्बैंड अगर बेबियों को तीन प्यार के नामों से पुकारे तो वो क्या होते हैं? जाओ ये भी तुम चलो, अब आप भी कुछ बोलो, पॉइंट ज्यादा हो रहे हैं। बेबी सोनू, बेबी बेबी यस मामा, अच्छी चीजें होनी चाहिए ना, तुमने तो बैंड ही बजा दी थी। सोनू क्या, सोनू निगम होते हैं ना सोनू, अच्छे नाम बताए ना। हाँ बहुत अच्छे बताए, पॉइंट गया भाई अमर को। ओके, किसी से उधार मांगने के तीन तरीके कार बहाने, मुनीब ने बहुत मांगे हैं, मुनीब चलो मैंने आज तक कभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक कभी किसी से उधार नहीं मांगा, शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहाने बता दो, दिल पे मत लो, बहाने बहाने है ना, झूठ है बहाना, ये कि यार वॉलेट भूल गया, नहीं 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 मैं यार थोड़ा सा सैलरी अभी आई नहीं है, कैश इशू है, सो आती है तो बस फर्स्ट को आएगी तो सेकंड को, एक ये हो जाता है। दूसरा ये कि यार गर्लफ्रेंड है उसको गिफ्ट देना है, वैलेंटाइंस डे है, कुछ एक मेरे दोस्त तो आगे से कोई कहे तुम्हारी है मेरी तो नहीं, तो वापस भी तो करेंगे ना, उधार ले रहा है, लोन ले रहा है, लोन वापस होता है ना। और तीसरा क्या है, तीसरा खाली डॉलर की तस्वीर भेज दो और आगे क्वेश्चन मार्क और नीचे ले दो समझदार तो आप है ही, बड़ा मिल जाएगा उधार, कोई नहीं देगा ना, गर्लफ्रेंड पे उधार मिलेगा, सैलरी वाली बात पे एक मिलेगा, सैलरी पे और सेमेस्टर की फीस पे और हेल्थ पे भी, हेल्थ पे। हाँ यार वो हेल्थ पे, घर में फलाना बीमार है, नानी बीमार है या दादी बीमार है, इसके ऊपर भी मिल जाता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका मनी। हाँ बीवी को पार्लर जाने से रोकने के कोई तीन बहाने, मजाओ ना अमर अगर आते, तुम ज्यादा अच्छे बहाने बता रहे हो, तीन बहाने आई थिंक, अगर तो वो बच्चे पार्लर में जाने से रोकना क्यों है, कि बच्चे खर्च होते हैं, बच्चों को तैयार कौन करेगा, हाँ और फिर कहना कि हम जिस जगह पे जा रहे हैं देर हो रही है, तुम नहीं जा सकती, हम पहले ही लेट हो रहे हैं, हाँ। और तीसरा हाँ एक और चीज बीवी को चुड़ाना कि तुम पार्लर जाके भी कौन सी कोई इतनी यार, पहले तो कोई ऐसा हस्बैंड नहीं देगा जो बेगम को पार्लर जाने से रोके, सैलून जाने से क्यों रोकेगा, पैसे खर्च होते हैं, अच्छा क्या हो गया, अच्छा हम हमसे लेते तुम लोगों का बहुत बार इवन लाहौर में भी कराची में भी मैं जब जब सैलून गई हूँ मैंने बहुत से ऐसे आदमियों को लड़कों को हस्बैंड्स को देखा है जो बच्चे पकड़ के एक्चुअली बाहर वेट कर रहे थे जब बीवियां अंदर, सो दिस इज वेरी कमेंडेबल एंड इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट, वुमेन लाइक दीस थिंग्स, है ना। ये तो बात है, और कभी बीवी ने साथ नहीं करना, आप जब शादी करेंगी तो मैं आपके हस्बैंड को आपका ये मैसेज कन्वे कर दूंगा, ये मैसेज आपका मैंने दिल में संभाल के रखा, बिल्कुल फीड हो गया, मैं उनको ये वीडियो दिखाऊंगा कि आपने बच्चा पकड़ के बाहर, ये करना है नंबर बनाने के लिए। ओके हाँ, बिजली का बिल बचाने के कोई तीन तरीके बताओ, एसी 26 में 28 में 26 पे एसी लगी 26 पे, अच्छा अच्छा एसी 26 पे और लाइटें पंखे बंद, हाँ जहाँ पे बैठे वहीं की लाइट जलाएं और जलाएं ना, और तीसरा सबसे क्या, चलो वो छोड़ो, कुंडा लगा सिर्फ हमारे ही कराची में खास तौर पे ये है कि आपके जो 7 से 10 तक का टाइम है उसका जो 6 से 11 तक का टाइम है वो उसका रेट जो है वो ज्यादा है, डबल है, डबल है, 6 से 11 में अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं तो उसका डबल बिल आपको चार्ज होगा बनिस्बत। जैसे रमजान में हम खाने की अशियाओं की चीजें बढ़ा देते हैं तो हम सबूत देते हैं कि हम अपनी आवाम का बहुत ख्याल रखते हैं। ओके किसका पॉइंट हुआ ये, मुनीब का। हाँ अच्छा, वैसे तुम किस खर्चे से घबराते हो, तो मेकअप तो चलो एमन का जो है वो स्पॉन्सर्ड है, तुम किस खर्चे से सबसे ज्यादा घबराते हो घर के? यार सब कुछ ही स्पॉन्सर्ड है भाई, सब कुछ ही स्पॉन्सर्ड है, बोलो बोलो बोलो, नथिंग इज स्पॉन्सर्ड, मैं क्या घबराता ही नहीं हूँ क्या, मतलब कैसे बोल, मतलब इंसान कभी तो घबराता है कि यार ये खर्चा बड़ा,
मतलब हाँ, जैसे, अभी जैसे यासर घर में जो है वो बिजली के खर्चे से बहुत घबराता है। अच्छा नहीं, बिजली का असल में हम जो मेरा जो बिजली के बेसिकली जितने भी यूटिलिटी बिल्स हैं हाँ। वो सारा जो है मेरा छोटा भाई देखता है। अच्छा। और जो जितने भी मुलाजिम हैं जितने भी हैं वो हम लोगों ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया, जितने भी मुलाजिम हैं उनकी सैलरीज वगैरह मैं देखता हूं, तो वो हमें बिजली का बिल मैंने कभी दिए मुझे पता ही नहीं, बस ये बताता था कि इस महीने कितना आया क्योंकि मैं ही निकालता हूँ। सुनिए तो तुम किस खर्चे से घबराते हो? एक एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है ना जो घर का, अभी है रेनोवेशन का खर्चा, मैं उससे घबरा तो नहीं रहा बट आई एम रेडी, बट वो एक बड़ा थोड़ा सा मतलब लाइक इस तरह घर की रेनोवेशन है मेरे। कभी होता है ना कि बहुत शादियां आ जाती है, खानदान में देना दिलाना भी है, बंदा उससे भी तो घबरा सकता है कि नहीं, ट्रैवलिंग से भी तो घबरा सकता है। शादी में लिफाफा स्पॉन्सर्ड है, इनका लिफाफा स्पॉन्सर करूंगा आपको, आपकी शादी में लिफाफा स्पॉन्सर होगा, सिर्फ लिफाफा नीचे लिखा होगा, टैग करें हैशटैग अमर खान की शादी इंस्टाग्राम हैंडल। शादी में कौन लिफाफा कौन स्पॉन्सर करेगा, तुम कर दो। ओके, किसका पॉइंट? हाँ, मुनीब भट्ट का पॉइंट ऑब्वियसली। ओके ओके, अच्छा कवारेपन के कोई तीन फायदे? ये नहीं, ये भाई जो कवारा है वो बताएगा ना यार, आप बताइए। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है खासतौर हाँ। पे जो कवारे जब एक्टर्स हो तो उनकी जैसे कोई फीमेल कवारी एक्ट्रेस हो तो उसकी मेल फॉलोइंग ज्यादा होती है। अच्छा, और जो मेल कवारा हो उसकी फीमेल फॉलोइंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जब आप बैचलर होते हैं हाँ। तो आपकी फैन फॉलोइंग उस तरह से ज्यादा होती है, लोगों को क्रश होता है। अच्छा, दूसरे कवारेपन के एक सबसे इम्पोर्टेंट फायदा, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, कोई आपका कंपेनियन या बच्चे वगैरह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तीसरा तुम बता दो, कुंवारेपन का सबसे ज्यादा फायदा आई गेस ये तो कोई लड़कों वाला बताएगा, इसकी शक्ल से मुझे लग रहा है ये लड़कों वाला फायदा बताएगा। यार आ तो रहा है लेकिन मुझे ऑनलाइन नहीं बता सकता। वो वाला नहीं कुंवारेपन का वो बहुत बड़ा फायदा है, कुंवारेपन का फायदा ये है कि आप अकेले हैं, आपको कोई टेंशन नहीं, आपको कोई मैसेज नहीं आने वाला, नहीं, ये तो चेल है। दिया ना कि आपका कोई पार्टनर लाइफ में नहीं है। मेरा भी यही है अमर, कवारेपन का फायदा ये है कि आप जिंदगी में जो करना चाहते हैं अपनी मर्जी से करते हैं, आपको किसी से इजाजत नहीं लेनी पड़ती, पूछना नहीं पड़ता, सलाह मशवरा नहीं करना पड़ता, और आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ आप ट्राई तो करते हैं पहुँचने। एग्जैक्टली, ये एक है। नहीं तो अगर आप आदमी है तो तब भी आपके साथ बच्चे बीवी उन सब की चीज आ जाती है, आप सोचते हैं कि नहीं यार मुझे तो कमाना है, 9 to 5 जॉब करनी है, exactly. मेरा दिल कुछ भी है मगर मुझे तो मेरे पीछे तो फैमिली है, तो कवारेपन में आप रिस्क ले सकते हैं जिंदगी में कि जवानी में तो रिस्क जो रिस्क लेने अच्छा मैं आपको बताऊं, जो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं ना वो शादी के बाद भी बहुत रिस्क ले लेते हैं, और जो नहीं लेने वाले होते हैं ना, जो डरने वाले होते हैं वो अकेलेपन में भी नहीं करते। इसका जो है वो सारी जिसकी बुनियाद है शादी से नहीं है, इसकी पर्सनैलिटी से, जिसकी पर्सनैलिटी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी होगी वो 6 बच्चों के साथ भी कर लेगा, जिसकी रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी नहीं है वो अकेला भी हो जाएगा तब भी नहीं करेंगे। चले लेकिन खैर, पसंद की शादी करने के 3 नुकसानात। ब्लॉग भी शुरू कर रहा हूँ, ब्लॉग के साथ एक ब्लॉग, पसंद की शादी करने के 3 नुकसानात। तीन नुकसान आप अम्मा अब्बा से शिकायत नहीं कर सकते कि ये कर रही है, वो ये बोलेगी भाई हम तो लाए नहीं तुम लाए हो, सही है। एक। और एक अच्छा दूसरा ये कि पसंद की शादी करने से क्या होता है, बीवी से भी तो शिकायत नहीं कर सकते ना कि तुम किसी और की पसंद की आई हो क्योंकि वो आपकी अपनी पसंद की शादी है। नहीं आपको अपने इश्यूज जो है, हमें माँ बाप ने तुम्हें हमारे पल्ले बांध दिया, हम तो इंटरेस्ट ही नहीं था इस किस्म का। आप सोप वाली कहानी, तीन नुकसान बताया खाली, दूसरा ये कि आपकी जो भी आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग होनी, लड़ाई होनी, वो आपने अपने अंदर ही मतलब आप दोनों ने ही सॉल्व करनी है, आप में सालिस किसी को नहीं बना सकते। अब आप किसी को सालिस बनाओगे तो फिर वो बोलेगा यार तुम्हारा आपस का इशू है। दो हो गए, एक दो, और तीसरा ये कि जब आपकी पसंद की शादी होती है ना, मैं आपको बताऊँ, जब लड़का लड़की रिलेशनशिप में होते हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं और जब वो मियाँ बीवी बनते हैं ना, तो फिर एक बहुत बड़ा चेंज आता है हाँ। दोनों की पर्सनैलिटी में, और फिर बेगम बोलती है कि पहले वो बेगम पूरे हस्बैंड को चेंज करेगी, और जब चेंज होगा बोलेगा अब तुम वो नहीं रहे अब तुम बदल गए भाई, तुमने पूरा चेंज किया तुमने पूरा चेंज किया मुझे आके जिंदगी में, वैसे बता रहा हूँ जनरली, और फिर एंड में बेगम अब आप वो नहीं रहे, तो ये आई गेस। ओके, अपने स्पाउस से ज्यादातर तो मर्द ही छुपाते हैं, अपने स्पाउस से मोबाइल का पासवर्ड छुपाने के या मोबाइल छुपाने के तीन तरीके मोबाइल छुपाने के, पासवर्ड मोबाइल, दो फोन रखें, एक फोन आपकी जो कार के
दरवाजे के साथ जो साइड वाली जगह होती है वहां रखें, एक फोन वहां रखे हैं और एक आप घर पे लेकर आए, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि भाई आप पासवर्ड रखें। और तीसरा क्या, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा ये कि आप भाई मना कर देंगे यार मेरे फोन को नहीं छेड़ा करो, उसमें मेरे जो है वो दोस्त वगैरह होते हैं सब। मेरे जो ड्रामे का कैरेक्टर है ये आप रात को 8 बजे वो देखें, आपको तरीके पता चलेंगे दो सिम में कैसे छुपाते हैं मोबाइल कैसे। आई स्वेयर ये पूरा, और कुछ बहुत से लोग हैं जो ये करते हैं घर वालों के डर से। एमन सबसे पहले तो गाड़ी का जो जाके ना वो करो, मैंने जान के एमन के लिए डैशबोर्ड में कोई फोन ना मिले। मेरे पास सिर्फ एक ही फोन है और उसका भी पासवर्ड इतना आसान है, 000 कोई पासवर्ड ही नहीं, 000 सब किसी, मेरे पास इतना आसान पासवर्ड है वो अमल भी खोल लेती उसको यूं करके ऐसे करके क्या हुआ उसके अंदर। अच्छा हाँ, वो जो क्या कहते हैं पॉइंट्स हैं वो कितने हैं भाई? ओके अभी मुनीप के ज्यादा, लेकिन लेक लास्ट सवाल रह गया। ट्रोलर्स को करारा जवाब देने के 3 फायदे। फायदे मैंने आज तक नहीं दिया। दिली सुकून हासिल होता है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सोचता हूँ कि यार एक फेक प्रोफाइल बनाता हूँ, ठीक है, और उससे जितने भी लोग ट्रोल करें ना इनको ट्रोल करता हूँ मैं। नाइस। है ना, ताकि मेरे दिल की भड़ास है ना वो निकले। और दूसरा फायदा क्या आप बताएं प्लीज? कि आप उनको जो गलत बात कर रहे हो आप उनको एक शट अप कॉल दे देते हैं कि आपको नहीं ये बात करनी चाहिए, आपकी आप ब्रिंगिंग आपकी कोई भी चीज आपको अलाउ नहीं होनी चाहिए कि आप इस तरह की कोई भी बात आती। अच्छा अगर आप उनको जवाब देंगे आगे से वो और फिर बदतमीजी करेंगे जवाब देंगे, इसलिए मैं तो कभी किसी को जवाब देता हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो 90 अच्छी चीजें पॉजिटिविटी है, अगर आप 10 चीजों पे अटक जाएं तो आप 90 चीजों को प्रायोरिटाइज नहीं करें, आप उन 10 चीजों को अहमियत दें, तो बेहतर है इग्नोर देम। ओके लेकिन एक फायदा क्या होता है, अगर आप ट्रोलर्स को जरा कोई जवाब देते हैं तो फिर उसके बाद बाकी लोग जो होते हैं ना वो आपके कमेंट आपका वो स्क्रीनशॉट लेके उस कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके और वो फिर हर जगह वायरल, हर जो है वो पेज उसको पोस्ट। जैसे मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं रियल लाइफ में जब हम अपने फैन से फॉलोअर्स से कहीं भी मिलते हैं, मैंने नहीं किसी को ट्रोलिंग तो दूर की बात, कोई बहुत गलत नाजेबा कमेंट तो दूर की बात, मैंने फेस पे कोई नहीं कहता सार्केस्टिक या हार्श टोन में बात करते हुए भी नहीं सुना, फेस पे कोई नहीं। क्यों? एक्चुअली यही रीजन है, थैंक यू फॉर आंसरिंग। जब आपका फेस नजर आ रहा होता है तब आप जुर्रत नहीं करते कोई भी गलत बात करने की, क्योंकि आपको लगता है आप एनोनिमस हैं और आप ये हरकतें ये शैतानी ठुंगियां मार सकते हैं, इसीलिए आप ये चीजें। ये लड़की जो है ना वो बहुत ज्यादा हर्ट हुई है ट्रोल से, क्यों इतना? नहीं नहीं मेरे तो हैं भी नहीं थे, लेकिन मैं जो बाकी लोगों को देखती हूँ जब वो इतना ट्रोल, काफी सेलिब्रिटीज हैं बेचारे जो कभी कभी बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज में भी चले जाते हैं इन चीजों की वजह से, तो मुझे लगता है कि ये नहीं क्या करते रहते हैं ये एक्टिविटी तो हमने अगले ब्रेक में जाननी है, लेकिन 8 से 10 तक आज आप देख सकेंगे इन दोनों का ड्रामा बद्दुआ ARY डिजिटल पर। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन दोनों से और गप्पे मारेंगे, आज की सुबह आप बोर नहीं होने वाले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आज रात 8 से 10 आप देख सकेंगे एक नया ड्रामा सीरियल आई ड्रीम प्रोडक्शंस का जिसका नाम है बद्दुआ। तो जी ARY पे एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है और मुझे लगता है नई सहमाई है, मेरे पास हर हफ्ते 2 या 3 प्रमोशन वाले शोज होते हैं कि नए नए ड्रामे आ रहे हैं और देखते हैं कि कैसा ये ड्रामा, आप लोगों को क्या लग रहा है रेटिंग आएगी इस ड्रामे की, लोग देखेंगे शौक से? मुझे ये जरूर पता है कि इस ड्रामे में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं और हर एज ग्रुप इतना रिलेट करेगा। अच्छा मुनीब, वो बद्दुआ से रिलेटेड कि बद्दुआ किसको लगती है, क्या होता है मकाफात अमल, वो चीजें तो बता रहा था। मुझे ये भी लगता है कि हम दोनों का जो एक बड़ा डोमिनेटिंग और कॉन्ट्रास्ट पे जो पर्सनैलिटीज हैं, एक वो लव टिफ भी है कि वो रोमांटिक क्लैश भी है, पर दोनों क्योंकि इतने स्ट्रॉन्ग हेडेड हैं तो एक दूसरे के साथ जो उनकी केमिस्ट्री है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी फायर इंशाल्लाह। वो भी मजा, शीशे से शीशा टकराए वाली बात। और बहुत देर बाद एक्चुअली आई हैव टू अप्रिशिएट मुनीब, मुझे ऐसा लगता है बहुत देर बाद मुनीब एक बहुत डिफरेंट पावरफुल
थोड़े से ग्रे शेड्स, थोड़ा सा कैसनोवा टाइप का कैरेक्टर करा है और जिस तरह से इसने अपनी लुक पे मेहनत की है. अच्छा, नॉर्मली लड़कियां ज्यादा लुक पे मेहनत करती हैं, पर जिस तरह से इसने अपना हंसो मत, मैं सीरियसली तारीफ कर रही हूं तुम्हारी, मतलब तुम्हें तारीफ भी रास नहीं आ रही, तुम उस पे भी हंस रही हो. लुक पे क्या किया है आप देखेंगे, यू नो द वे ही इज वेयरिंग हिज एक्सेसरीज, कुछ बड़ी मजे की जो है वो पहनी है, इसकी ड्रेसिंग का स्टाइल एक रिच स्पॉइल ब्रैट, बड़े ब्रांडेड स्टैंडर्ड मुंडे ने जड़ा ये पेंटा दे कोटा जड़े पाए ने पैसे लगाए पैसे इन्वेस्ट किए हैं अपनी लुक्स पे. अच्छा. एक डिफरेंट रोल, एक डिफरेंट अवतार मुनीब का आई थिंक इस ड्रामा में. मुनीब आप वापसी रिटर्न में मेरी भी तारीफ कर सकते हैं. चश्मे वश्मे भल भाई अभी तो मैंने कहा खूबसूरत लड़का असल में. हाँ नहीं, जब हम ये कैरेक्टर डिस्कस कर रहे थे जब शुरू में, तो उसी वक्त मैंने सोचा हुआ था कि यार अच्छा ये इस तरह से हम इसको ऐसा बनाएंगे. अब्दुल्ला सज्जा के साथ जब मैं डिस्कस कर रहा था तो हमने बहुत डिस्कशन की. आप यकीन करें कि जब एक्सेसरीज लेने के लिए मैंने अपने बच्चे को भेजा जाके, तो मैंने उसको बोला बेटा जो आप ले रहे हो ना, जो बहुत सारी चीजें ली है इसके लिए, मतलब वो सब मुझे सेंड करो. वो मुझे भेजता था, मैं अब्दुल्ला को भेजता था. अब देखें उसकी अब्दुल्ला सज्जा उनसे अप्रूव करवा रहे होते थे. अब्दुल्ला की इतनी इन्वॉल्वमेंट है माशाल्लाह से इस प्रोजेक्ट के अंदर. मैं कहता हूँ अब्दुल्ला, जीशान, रामिश भाई, इतनी इनकी इन्वॉल्वमेंट है, खासतौर पर अब्दुल्ला जीशान की, के हर चीज एक एक बारीक चीज, मतलब के मेरे जो कपड़े हैं, जो मैंने वार्डरोब मैंने पहना है, उसके कपड़े की सिलेक्शन, कलर सिलेक्शन तक हम लोगों ने जाके, अब्दुल्ला जीशान ने मेरे साथ जाके, हमने खुद जाके कपड़े खरीदे, हमने जाके ऑर्डर दिए खुद. तो एक तरह से इन हाउस बहू है आईड्रीम. मेरा पहला प्रोजेक्ट, फेवरेट हो ना, तो बहू फेवरेट, घर जमा घर जमा. तो मेरा ये पहला कोलैबोरेशन है एआरवाई पे, मैं पहला ड्रामा अपना. अच्छा, तो निदा आई थिंक द काइंड ऑफ वार्म welcome that I have received from ARY. Abdullah especially, I have to thank Abdullah. हम कोई दो साल से हम एक साथ काम करना चाह रहे हैं. कोई ना कोई मसला हो जाता था, या डेट्स का मसला हो जाता था, या कुछ स्क्रिप्ट पे इतराजात थे कुछ ना, और हमेशा जब मैं कहती थी अब्दुल्ला नहीं इसमें ये यूं, तो कहता था बॉस कोई बात नहीं अगला प्रोजेक्ट. तो वो जितनी तमीज से, जितनी जेनरस और काइंडनेस से वो रेसिप्रिकेट करता था, मुझे पता था कि मैं जब भी एआरवाई पे आऊंगी द फर्स्ट ड्रामा दैट आई विल डू हैज टू बी विद अमर. ने बहुत ड्रामे, आप लोगों को पता भी नहीं होगा, अमर ने बहुत ड्रामे रिजेक्ट किए हैं इस साल में. कि जब हमें पता लगा, अल्हम्दुलिल्लाह एक ड्रामा बहुत साल के शुरू में हिट होने के बाद, मैंने अब्दुल्ला से, क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि, मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसी, जो मेरा ड्रामा इतना सक्सेसफुल 2021 में रहा है, मैं उसी को दोबारा रिपीट करूं. कैरेक्टर सब वही आ रहे थे. एआरवाई में ये बात थी कि अमर कर रही है, उन्होंने ने हाँ कर दी. हाँ एग्जैक्ट, ये वाली बात है. इसने बहुत ड्रामे रिजेक्ट किए इस साल एआरवाई. अच्छा, अब मैं तुम लोगों से कुछ सवाल कर रही हूँ, ठीक है, और तुम लोगों ने हाँ या ना में जवाब देना, थोड़ा सुकून भी दो ना. अभी से मेरे लिए शार्प. ओके, हाँ जी, क्या कभी दुकानदार से अपने नाम पर डिस्काउंट मांगा है कि भाई मैं मुनीब भट्ट हूँ, जरा डिस्काउंट दो, मैं अमर खान हूँ, मुझे डिस्काउंट दो? हाँ 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 यार, क्यों नहीं मांगा भाई, अब फायदा उठाना चाहिए भाई, इतनी मेहनत करके नाम बनाया. मैंने तो टर्की के अंदर शॉपिंग करते हुए, मैं टर्की रह के उसको बोलना, ये देखे मैं पाकिस्तान में ना ड्रामों में आता हूँ, ये जो आप मुझे, ये जो मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं, वहाँ पे इशू ये है कि बार्गेनिंग है. अब वो मैं उसको बोलना, मेरा बॉस ये देखे मैं वहाँ पे एक्टिंग करता हूँ, ये आपके जो जैकेट मैं ले रहा हूँ ना, ये मैं ड्रामे में पहनूंगा, मुझे डिस्काउंट दो 50% ऑफ, मैं आपको शाउट आउट दे दूँ. गुड आइडिया मुनीब, अगली दफा मैं भी ये करूंगी मुनीब, थैंक यू. हाँ तो हम, मैंने तो बहुत लिया डिस्काउंट. और अमर तुम किस तरह का डिस्काउंट लेती हो भाई, क्या कुछ क्या बहाने हैं तुम्हारे पास? नहीं, यही कहती हूँ कि यार हम मीडिया में, हम आपके घरों में आते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन्स पे आते हैं, तो आप लोगों का ही इस दुकान का नाम होगा, अगर हम आपकी वही चीज पहनेंगे तो थोड़े से पैसे कम. ये तो लाइन प्रोड्यूसर वाली लाइन है, जो जब आप ज्वेलरी शॉप पे शूट करानी होती है तो भाई आपकी दुकान आएगी, आप प्रमोट होंगे, पैसे कौन लेता है इसकी, ये लाइन प्रोड्यूसर करते हैं हमारे, बड़े तेज हैं वैसे. ओह माय गॉड, ऐसे मैंने प्ले. ओके, अच्छा, जब किसी होटल में स्टे करने जाते तो ऐसे ही ना वहाँ के छोटे छोटे शैम्पू और वो जो लोशन वगैरह रखे होते हैं आपके लिए ही रखे होते हैं, कभी बैग में डाल लिया कि चलो यार अच्छा है ट्रैवलिंग में काम आएंगे, कभी ऐसे ही कोई होटल की है? कोई कांटा छुरी चम्मच कभी कभी नहीं, कभी नहीं. मुझे शुरू में ना, मुझे उनके वो कार्पेट शूज होते थे, वो सैंडल्स, हाँ वो तो मैंने अभी भी, मुझे वो बड़े अच्छे, मैं वो लेकर आ जाऊं, वो लेकर, तो हाँ करो ना फिर. मैंने भी बोली है. अच्छा, कभी किसी प्रोजेक्ट के ऊपर हाँ करने के बाद
ये एहसास हुआ यार ये मैंने क्या गड़बड़ कर दी ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग ही यार ये तो मतलब फंस गए नहीं हाँ मुनी बुआ नाम नहीं बताऊंगा मैंने कभी किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट को हाँ नहीं किया जिसमें मेरा दिल नहीं हो जिसमें मेरा बिलीफ नहीं हाँ. इसलिए मैं हमेशा पहले एटलीस्ट शुरू के 10-15 एपिसोड्स तो अच्छा चलो नहीं तो एपिसोड मैं आपको बताऊं आपको नजर आ रही होती हैं चीजें फिर आप जब आप सेट पे जाते हो प्रोडक्शन आपको बताई जाती है कि ऐसी होगी और फिर वो नहीं होती एग्जैक्टली तो फिर आप अच्छा मुझे बुरा लगता ये नहीं बताओ कि कौन सा ड्रामा था सिर्फ ये बताओ कि कितने एपिसोड रिकॉर्ड करने के बाद एहसास हुआ मुनी फंस गए भाई आप यार ड्रामा नहीं मुझे मूव वो वाला बता दो मुनी जो कौन सा वाला नहीं एपिसोड नहीं मुझे तो 10 दिन के बाद रियलाइज हो गया था कि यार गड़बड़ हो गया यार ये गलत में फंस गया गलत जगह फंस गया क्या कैरेक्टर पे हुई थी प्रोडक्शन हाउस पे हुई थी या किस प्रोडक्शन अच्छी थी प्रोडक्शन बहुत बुरी ओह स्क्रिप्ट सही था लेकिन प्रोडक्शन गड़बड़ थी स्क्रिप्ट जो था वो उस राइटर का स्क्रिप्ट था कि मतलब टॉप राइटर इतना कमाल लेकिन बस वो और रिजल्ट क्या हिट हुआ कि नहीं हुआ अच्छा चला अच्छा चला अच्छा चला रेटिंग आई कि नहीं आई रेटिंग आ जाती है मेरे ड्रामे की बहुत बड़ी बात कर रहे हो लड़के बहुत बड़ी बात कर रहे हो बोला ना मैंने कहा ना सेल्फ ऑब्सेस्ड रेटिंग आ जाती है ड्रामे की प्रोडक्शन खराब हो तो रेटिंग आ जाती है बड़े बोल से बचा लेकिन ये कि नहीं अच्छा चल गया था अच्छा चल गया था चलो फिर शुक्र है कि मेहनत का बोल बाला हो जाता है अच्छा क्या कभी किसी तकरीब में गए हो और दूसरों के कपड़े देखने के बाद एहसास हुआ या तो मैं बहुत ओवर ड्रेस्ड हूं या अंडर ड्रेस्ड हां मैं आपको इसका इतना मजे का वाक्य बताता हूं मिनाल की अभी जिस दिन मायूं थी हाँ. उस दिन मैं मायूं से जो है वो लेकर आया मायूं वाला मायूं से ड्रेस अब वो उससे मुझे ड्रेस दिया अगर आपने देखी हो अगर मायूं की पिक्चर मायूं की पिक्चर जरा ढूंढ के लगाओ मुनीत की हां जो एमएल ने कह रहे मायूं था ना वो वाला जिसमें मैंने ग्रीन वेस्टकोट पहनी हुई हां अभी लगा रहे तुम किस्सा सुनाओ जब तक वो आ रहा है अच्छा जी हुआ ये कि उसने मुझे पूरा जो उसका सेट था ना वो हाँ. दे दिया जिसके अंदर अंदर भी ग्रीन रॉ सिल्क का कुर्ता पजामा था हाँ. और ऊपर ग्रीन वेस्टकोट थी अब वो मैं लेकर आ गया मैंने पहन लिया पहन के मैं रेडी होके बिल्कुल प्रॉपर जब मैं निकलने लगा हूँ तो मैं जब भी जाता हूँ बाहर मैं तैयार होकर कहीं बाहर जा रहा हूँ तो मैं अम्मी को जरूर दिखाता हूँ अच्छा तो अम्मी मुझे देख के जो है ना बड़ा प्यार करती है अच्छा बहुत अच्छा लगा फिर मैं अम्मी से मिलकर जाता हूँ जब मैं तैयार होता हूँ अच्छा तो मैं अम्मी को दिखाने गया मैंने अच्छा अम्मी मैं जा रहा हूँ देख लें मुझे मैं तैयार हो गया ठीक है अम्मी ने बोला बहुत ही कोई धुला लग रहे हो आप यकीन करें मेरे हाथ में फोन वॉलेट गाड़ी की चाबी और मैंने जी बोल रही है भाई धुला लग रहे हो फिर जब मैंने दोबारा जाकर शीशे में देखा मैंने भाई हाँ यार ये तो मैं वाकई ओवर ड्रेस्ड हूँ फिर मैंने वेस्टकोट उतारी फिर मैंने ड्रेस चेंज किया फिर मैंने वो जो निकाल के दिखाओ मुझे फिर जो रॉ सिल्क का वो जो ग्रीन पूरा था वो मैंने चेंज करके वो मैंने ब्लैक पहना कुर्ता और उसके ऊपर भी मैंने ग्रीन वेस्टकोट ली तो थोड़ा सा आया वरना वो वरना मैं जो वाकई जो मैं वहाँ जाता तो फिर बाद में रियलाइज हो ना अगर आपको वहाँ जाके दूसरे हाँ। बोल रहे हो फिर बड़ा ऑकवर्ड बंदा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल गए तुम्हें अभी वो ढूंढ रहे हैं उनके पास नहीं थी वो ढूंढ रहे अच्छा बताओ तुम्हारे साथ कभी हाँ अक्सर ऐसा होता है मुझे लगता है मैं ओवर ड्रेस से ज्यादा अंडर ड्रेस्ड होती हूँ तो अंडर ड्रेस का मतलब कभी कभी आप किसी जगह किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो मैं बड़ी कैजुअल जाती हूँ जैसे मैं आज आ रही थी तो मुझे कोई कह रहा था आप मॉर्निंग शो पे ये ब्लैक इतने सिंपल से जा रही है मैंने भी आज सिंपल एग्जैक्टली के दिन के वो कौन इतनी मेहनत और चमकीले फड़कीले कपड़े पहन के शरारा शरारा बन के चला जाए तो मैं अंडर ड्रेस जरूर उस सेंस में जाती हूँ बर्थडे पार्टी हुई हो तो उसमें जो है वो इतना आप अंडर ड्रेस फिर भी हजम हो जाता है ओवर ड्रेस हजम नहीं होता फिर बहुत मसला होता है बिल्कुल अच्छा क्या आप अपनी उम्र हमेशा से सही बताते हैं या कहीं जरा गड़बड़ कर जाते हैं कहीं जा मौका मिले हैं मेरी उम्र अभी उतनी हुई नहीं कि मैं कम बताऊं तब हाँ ना तुमने तो हाँ जवाब दिया नहीं कम नहीं बताता मैं नहीं बताते तो नहीं जवाब दो ना हाँ. मैं डिपेंड करता है कौन पूछ रहा है तो हाँ भी और नहीं भी ओके अच्छा अगर कोई मुस्तकिल आपसे उधार मांगे और आपको पता है कि इस शख्स की तो आदत है उधार मांगने की तो क्या आप उसे ब्लॉक करते हैं कि नहीं देखते हैं कि क्या सिचुएशन है मुझे हाँ. तो पता लग जाता है कि यार ये तो आदतन उधार मांगा जा रहा है जरूरतन नहीं आदतन हाँ अगर कोई वैसे कोई पता लग जाता ना मुझे पता चल जाता है मुझे भी पता चल जाता है इंसान की फितरत कैसी है क्या वो जेन्युइनली नीडी है या वो कोई मेड अप स्टोरी है
आपने दूसरा सवाल किया उधार पे, ये कौन सवाल लिख के दे रहे, कौन नहीं उधार ये कौन है मुझे लग रहा है उधार दूसरा सवाल है उधार पे, भाई उधार पे क्यों फंस गए इसकी आज। ओके अच्छा, क्या होता है ना कभी कभार किसी की आदत होती है, जैसे लाइक मुझे बहुत शौक है सस्ती शॉपिंग बताने की, कि मैंने ये सस्ती की है शॉपिंग, लेकिन कभी कभार किसी की आदत होती है कि वो जिस की जितने की चीज खरीदी होती है थोड़ी ज्यादा ही करके बताते हैं, तो आप लोगों का क्या नहीं, आप लोगों का शुमार किसमें? मुझे बल्कि मुझे लगता है कि आप कोई सस्ती और अच्छी चीज कम पैसों में खरीदो तो आपको बताना चाहिए कि यार ये फलानी जगह है, यहाँ से बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ी अच्छी क्वालिटी की लेकिन बहुत सस्ती भी मिल जाती है। तो मैं तो हमेशा डिपेंड करता है कि आप बता किसको रहे हैं, किसको रहे हैं, डिपेंड करता है आप किसको बता रहे हैं, कब बता रहे हैं, कहाँ खड़े होके बता रहे हैं। अब आप फाइव स्टार, आप फॉर एग्जाम्पल आप फाइव स्टार होटल में खड़े हुए हैं और आपका आप होटल का मैनेजर आपसे पूछे सर नाइस वॉच, अब मैंने पता कितने की ली आपको पता सदर से खरीदने की, वो अच्छी बात नहीं है। आप देखते हैं कि जगह क्या है, पूछ कौन रहा है, फिर आप उस हिसाब से बताएं। तो कभी कभार आपको बढ़ा चढ़ा के बताना पड़ता है, कभी कभार आपको यू नो माय फ्रेंड जस्ट अ फ्यू डॉलर्स फ्यू थाउजेंड डॉलर्स। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि आपको बड़ी बड़ी भेज रहे हैं फ्यू थाउजेंड ऑफ डॉलर्स, कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई स्क्रिप्ट ऑफर हुआ हो उसमें दो हीरोज हैं या दो हीरोइंस हैं और आपने अपना स्वैप कराया हो रोल कि यार मतलब हाँ, वो वाला मुझे हाँ, दे दो। हाँ, तीन चार दफा हाँ हाँ और हुआ है ऐसा हाँ। स्वैप हुआ कि उन्होंने कहा चलो तुम निकलो तुम नहीं हो तुम स्वैप के तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है हाँ, आपका तो पता है मुझे, आपने अभी दो दिन मुझे बताया था बट या वी वोंट जैसे आपने रिसेंटली कोई बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर किया और फिर उसी तरह के आपको मिल रहे थे, आप कहते हैं नहीं अब मुझे इससे थोड़ा डिफरेंट करना है, या आपने कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग या नेगेटिव टाइप किया तो आप चाहते हैं कि नहीं अब ये नहीं अब मुझे थोड़ा सा कुछ वैरायटी। कभी किसी गाड़ी का टायर पंचर किया है तुम लोगों ने मस्ती के लिए? मैंने तो कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। हाँ, मतलब मुझे तो करना ही नहीं आता गाड़ी का टायर पंचर। नहीं करना था। कभी किसी के घर की बेल बजा के भागे हो तुम लोग मस्ती में? भाई बहुत बचपन में। हाय हाय हाय। कभी कोई शादी क्रैश किया जाके अपने दोस्तों के साथ मिलके खाना खाए? ये मेरा एक्चुअली ड्रीम है कि मैं कोई शादी क्रैश करूं और जाके खाना खाऊं। ओह, वी शुड डू दैट। अगर तुम अब करोगी तो अमल वो तो फिर सोशल मीडिया पे आ जाएगा कि हमने इनको शादी में बुलाया नहीं था फिर भी आ गई। मैंने सिर्फ एक शादी क्रैश की बचपन में दोस्तों के साथ और वो भी मेरी किस्मत ही खराब, वहाँ पे खाना खत्म हो गया, कम पड़ गया वहाँ पे और गाजर का हलवा आया वो ही खाया मैंने। अच्छा भाई, वो मुनीब जिस उसका अपने हुलिये का जिसका जिक्र कर रहे थे वो हमें मिल चुका है, का सलवार कुर्ता देखा है भाई इन्होंने, ये ग्रीन थी, इसके नीचे तुमने क्या पहना? मतलब ये ग्रीन बेस है, ऐसा ही ग्रीन जो था इसके नीचे था हाँ। तो मैं पूरा ग्रीन 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 था तो वो अच्छा हुआ कि लास्ट मोमेंट में ग्रीनरी था हाँ, लास्ट मोमेंट में वो ब्लैक मैंने जो है ना वो पहन लिया तो उसकी वजह से वो अच्छा मुनासिब लगा। अच्छा पता नहीं मुझे लग रहा है तस्वीरों में तो इतना पता नहीं चलता, वो डार्क कलर है, डार्क ग्रीन वो असल में आप देखें ना दोबारा दिखाइएगा, दोबारा दिखाओ जो दूल्हे को देखें, ठीक है दूल्हे ने नीचे ब्लैक पहना हुआ है ऐसा नहीं और ऊपर उसने वेस्टकोट पहनी हुई है, अगर मैं ग्रीन पूरा पहनता तो मैं ज्यादा दूल्हा लगता, उस वजह से मैंने ब्लैक। अच्छा ऐसा की तो वेस्टकोट की बहुत कहानियां हुई थी, अजीब से ट्रोल बेडशीट से मिल रहा है, हमारे कर्टन से मिल रहा है उसका वेस्टकोट। असल में एहसन का जो उसके माइयों का था ना तो वो डिजिटल प्रिंट था। अच्छा, मतलब एक तो होता है कि कढ़ाई हुई भी होती है ऊपर, एक डिजिटल प्रिंट का वेस्टकोट होता है। हाँ, मैंने भी वही पहना पता माइयों पे, लेकिन वो जो उसका डिजिटल प्रिंट था वो प्रिंट थोड़ा लोगों को लगा के वो कुछ और प्रिंट से मिल रहा है स्क्रीन पे या कुछ है, तो वो मतलब हुई इस तरह की छोटी मोटी। हां वो होता मीम्स होती रही मीम्स। हां मीम्स मेक्स यू हिट These days. Okay, हाँ चले जी अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं हम। आए ब्रेक का टाइम आ गया यार, ये क्या बात है, हम इतनी कर रहे हैं कि ब्रेक का मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि प्रोग्राम मेरा खट 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 जा के दर रहा है, मैं संभाल ही नहीं पा रही हूँ तो ब्रेक आ जाता है फिर। तो जी हम गेस्ट होते हैं तो आपको पता है, हाँ अमर आपके गेस्ट हो तो आपको टाइम पता लगेगा। हाँ भाई अकेले भी शो निकाल रहे तो अकेले अकेले आए तब भी हमने हमने अकेले शो किया हुआ है।
थोड़ा ये शो के निकालो। बहुत गप्पे मारे थे, बहुत कहानियां थी इसके पास, तुम्हारे पास ही बहुत होती है कहानी। अमर की तो किताब अभी छपने वाली बहुत जल्द, अमर की लुगत। तुम्हारा पूरा कोर्स आ रहा है। अच्छा तुम दोनों में उर्दू उर्दू की जो वोकैबुलरी वो ज्यादा किसकी अच्छी है? मुझे लगता है मेरी अच्छी हो। अच्छा आपको लगता है सर? मुस्तंसर मुझे भी बता दो उसका हमातन कुछ आया हमातन खुद बताओ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे मुझे खुद मतलब नहीं पता। मैं जरा ब्रेक में इसका मतलब हम हमातन गोश्त हैं का मतलब पूछ लेती हूँ और फिर जरूर आपको बताती हूँ, क्योंकि अगर मैंने कुछ गड़बड़ बता दिया तो वो भी वायरल हो जाएगा। ये भी नहीं पता तो मैं रिसर्च करके बताती हूँ, मैं कुछ ऐसा अपनी तरफ से नहीं बोल सकती। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान बद्दुआ की कास्ट के साथ। और ये बद्दुआ आपको मिलेगी नहीं, आपको नहीं मिलेगी, आपको नजर आएगी 8 से 10 आज ARY डिजिटल पर। गुड मॉर्निंग। अभीर ये तुम थी? आपको बुरा लगा? फूड कोर्ट में जुनैद के साथ क्या कर रही थी? कौन जुनैद? अंकल ये मेरे मंगेतर के साथ। बकवास बंद करो। जिंदगी मेरी उसकी जवान बेटी के ये करतूत है तो या वो खुद जमीन में गड़ जाएगा या बेटी को गाड़ देगा। अल्लाह से दुआ करना, जिंदगी खत्म हो जाए। आखिर मैंने किया ही क्या? किसी से सच्ची मोहब्बत की और वो भी अपने हाथ में रहते हुए। मम्मी आप बाहर जाकर देखिए आजकल लड़कियां करती क्या है, अफेयर्स चलाती है अपनी मर्जी से, अपने हक से शादी करती है। मैंने ये सब किया। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज रात से आप देख सकेंगे 8 से 10 डबल एपिसोड बद्दुआ का, एक नया ड्रामा सीरियल जो iDream Productions का है, शुरू हो रहा है। और इसमें शामिल हैं जी जो राइटर हैं वो समीना एजाज है, डायरेक्टर हैं रामेश रिजवी, इसकी कास्ट में शामिल हैं मरियम नूर, मोहसिन अब्बास, और वो कमर्शियल्स में भी जब होते हैं तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देते, तो मुझे तो बड़े अच्छे एक्टर होते हैं। उनका नाम एकदम जहन से निकल गया था। कोमल रिजवी है इसमें, समीना अहमद है, अब्दुल्ला एजाज हैं, सलमा हसन है, महमूद भाई, मोहसिन अब्बास हैदर हैं, महमूद असलम भी, महमूद असलम बोल दिया मैंने, हाँ, शाजिया गौहर हैं, आयशा राजपूत, हरीम सोहेल हैं। तो माशाल्लाह अच्छी कास्ट है और बहुत प्रॉमिसिंग प्रोमोज हैं आप लोगों के जो हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमारे 2 घंटे जो आज के हैं वो हमने इन्वेस्ट करने हैं बद्दुआ में, और देखना है कि भाई बद्दुआ देखने में आपको बहुत दुआएं आज मिली। कि आपको एंटरटेन किया और आपको मजा दिया उस 2 घंटे। हाँ भाई देखिए भाई, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये करने वाले हैं कि एक लड़की है जो लगभग कल के दिन पैदा हुई थी, तो कल तो हमारी छुट्टी होती है, तो हमने कहा कि आज हम क्यों ना मिलकर उसकी सालगिरह सेलिब्रेट करें। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, आइए भाई हम केक काटते हैं। केक काटेंगे हम अमल का। फाइनली यार 35 Congratulations. Oh, sorry, record तो नहीं हो रहा। तो जी ये जो केक है यार, That is so sweet. Thank you so much. हमने कहा मौका मिला भाई आज बर्थडे सेलिब्रेट करते, आइए ना इधर आइए भाई। भाई खुद ही जला के जाओ, ये मुझे बहुत खतरनाक काम लगता है। मैं जलाता हूँ। हाँ, ये खतरनाक। वाह यार अमर, हैप्पी बर्थडे माशाल्लाह आपका, आपकी सालगिरह बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। कितने साल आपने अपनी जिंदगी के इस बात पे आप कैंडल जला दें। चलो जी रेडी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने एक्सपेक्ट किया था ये? देखा हमने कैसे सरप्राइज प्लान किया। देखिए भाई ये ओके रेडी 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू निदा, थैंक यू ARY। अब मैं आपको थोड़ा सा खिलाऊंगी। ये आप मुनीत को खिलाएंगे, मैं रोजे पे हूँ, मेरा 12 बजे रोजा खुलेगा। इंटरमीडिएट
थैंक यू सो मच ARY, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, थैंक यू। और क्या करती हो अपनी बर्थडे पे, वैसे कैसे सेलिब्रेट करती हो? यार मैं कोशिश ये करती हूँ कि अम्मा के साथ रहूँ और एक मजेदार सा रात के वक्त हम डिनर करें। मैं सेलिब्रेट नहीं करती, नहीं करती पिछले दो एक साल से, तो नहीं कर रही आफ्टर नानो हैज पास्ड अवे। तो बस कोशिश ये होती है कि अम्मा के साथ रहूं, ढेर सारी दुआएं उनसे लूं। तो बचपन से कोई सेलिब्रेशन हुई है जो बहुत ज्यादा नानो के साथ बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन होती थी। मेरे जो स्कूल यूनिवर्सिटी कॉलेज के दोस्त हैं वो सरप्राइज रात के 12 बजे आ रहे हैं अंडे लेके मारने और मेरे मुंह पे केक। यार ये बड़ा मजे का अंडे मारने। हां यार ये होता है जिसकी बर्थडे होती है भाई, तो वो एक मजेदार फन था। आप पूरा केक चटम कर जाएंगे यार, बहुत भूख लग रही है, सुबह सुबह का टाइम बैठ के खा लो, आओ नाश्ता भी नहीं किया, बहुत भूख लग रही है, केक बहुत मजे का। थैंक यू सो मच। ये हटा लें, पर ये हम साथ। अच्छा वो जो गिफ्ट हमने रखा हुआ है वो अभी देने हमने, वो कहाँ है, लाओ यार आज बैठ जाओ। वो गिफ्ट हमने ऑर्डर किया था वो मेरे ख्याल से आ गया होगा। बात नहीं, आपके जैसे गिफ्ट ही गिफ्ट हैं। मैं आपको शाउट आउट दे दूंगा, मुनीब आप अपनी स्किन का राज बताएं जरा, क्या करती हैं? तुम्हारी एक्चुअली बहुत अच्छी स्किन है मुनीब, माशाल्लाह। हाँ मुनीब सर बताएं, बताओ क्या रुजी रुजी इंजेक्शन में? इतना बड़ा झूठ है ये, मुझे इतने और मेरे फ्रेंड्स मुझे बोलते हैं कि यार तूने इंजेक्शन। अच्छा जो मेरे पुराने दोस्त हैं कॉलेज के, उनको पता है कि मैं हमेशा से ही ऐसा था, लेकिन जो नए दोस्त कॉलेज और स्कूल जाके भी तो थोड़ा टैन हो जाता है ना, अब फिर उसके बाद घर बैठ के तो थोड़ा। सारे पूरे एरिया के लड़के जो हमारे जो है ना, उनकी अम्माएं बोल रही होती थी कि बाहर धूप में मत घूमो, काले हो जाओगे काले हो जाओगे। मेरी अम्मी बोलती नहीं थी, मेरा इतना पक्का रंग था कि मैं धूप में भी खेल के आता तो मैं रेड होता था, ब्राउन नहीं होता था। तो लाल ऐसे चीक्स हो जाते थे। तो स्किन के लिए मैं तो वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ भी नहीं करता, एक अच्छा सा फेस वॉश लगा हुआ है बस, दैट्स इट। ये जीन्स में लाइक अम्मा अब्बा की तरफ से मिलती है, अम्मी मेरी जो है वो प्योर कश्मीरी है, अच्छा माइग्रेटेड फ्रॉम जो मकबूसा कश्मीर है, इंडियन ऑक्यूपाइड, वहां से मेरी अम्मी माइग्रेटेड है। और फादर भी जो है वो मेरे वो पंजाब जो इंडिया का पंजाब है वहाँ से माइग्रेटेड है। तो हमारे अम्मी अब्बू दोनों कश्मीरी। एक और बात बताऊं इसकी, जो अगेन मैंने इसमें देखी है और किसी हीरो में नहीं देखी, इवन ये जो लड़के भी हल्का सा कंसील करते हैं, ही मेक श्योर कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें वो जो कंसील करें, वरना बेचारे लड़के वो पता नहीं कौन सी जो भी पड़ा होता है वो बाहर इतनी मोटी मोटी बेस लगा। ये तुम्हें खुद एहसास है या एमन ने तुम्हें बताया कि मुनीब ये यूज करो? यार वकार भाई जो है मेकअप आर्टिस्ट, हां मेकअप, आज से कुछ 4 साल पहले हम एक बैंकॉक गए थे कमर्शियल शूट करने के लिए, वहाँ से वापसी में मैंने उनको बोला यार मुझे बताएं, क्योंकि यूजुअली जो सेट पे मेकअप आर्टिस्ट आते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते। हाँ। तो मैंने उनको बताया मुझे बताएं कि मैं क्या लूँ, तो उन्होंने मुझे एक दो प्रोडक्ट्स निकाल के दिए, एक वो कंसीलर था मैक का NC35, वो सिर्फ कंसीलर है और उसके अलावा मैं बेस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करता, सिर्फ एक मेरे पास एक छोटे सी कंसीलर होता है वो छोटी सी लिक्विड कंसीलर, और उसके साथ एक कॉम्पैक्ट पाउडर होता है जो एंटी शाइन होता है, बस दैट्स इट। और बाकी बाल में जो अपने हेयर प्रोडक्ट्स होते हैं, कोई बेस नहीं, कोई मस्कारे नहीं, खुराक भी तो होती ना मुनी, बाकियों के बाल निकली देखिए आप मेरे बाल, मेरे अपने बाल मुनी, खुराक भी तो होती ना, जैसे हम सब्जियां ज्यादा खाते हैं, हमारी गजा खाना खाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं स्मोक नहीं करता, कुछ नहीं करता, जिम जाते हूं, जिम जाता हूं, सिगरेट नहीं पीता, कुछ नहीं, तो मतलब इसकी वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली। हां अमर तुम भी बताओ, तुम अपना आप माल अच्छे रखती हो, दिल नहीं दुखाता किसी का, चेहरे पे आता है रौनक, अल्लाह ताला रौनक की तरह से, हां खुश रहता हूं खुश। अमर तुम क्या करते हो? मैं भी बहुत कम केमिकल्स अपने अब बाल सिर्फ कलर तो कराने पड़ते हैं, उसके अलावा बचपन से लेके अब तक मैं कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स जो लोग केराटिन वगैरह वो सब, मैं कुछ नहीं कराती। अच्छा आई थिंक एक तो वो नेचुरली अच्छी जीन्स की वजह से भी अच्छे बाल है, दूसरा सिर्फ सरसों का तेल लगाती हूँ बालों में जब कभी ऑयलिंग करनी हो तब। फेस पे भी आई थिंक मिनिमम बेस मेकअप, क्योंकि मैं अभी वही देख रही थी तुम्हारी जो ड्रामे में अम्मी बनी है उनका मेकअप ज्यादा है, बेटी का मेकअप कम है। तुम कौन सी बेस इस्तेमाल करती? मेरी है ये YSL की एक बेस है, बेस डोरे उस कलर की, और वो भी अगेन मैं भी सिर्फ कंसील करने के लिए यूज करती हूँ। अच्छा मुझे लगता है आपकी स्किन अगर अच्छी हो तो नहीं ज्यादा नहीं आपको मेकअप अप्लाई मेकअप नहीं ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। क्या मैं ज्यादा मेकअप करती हूँ? अमर जो कह रही है वो बात, भाई लड़कियों के मुकाबले में तो लाइक कम ही करती है ना। कौन सी लड़कियों के मुकाबले? जो लड़कियां करती हैं मेकअप उस हिसाब से ना मुगलवाना चाह रहे हैं हमसे, फुप्पो बन रहा है यार। कोई एक तो
वीडियो वायरल हो रहा है। अच्छा चलो मैं तुम लोगों से बात करती हूँ इस हवाले से कि अगर होता है ना कि कभी कभार आपका शोबिज में भी थोड़ा दोस्त अच्छे बन जाते हैं और किस वक्त किस दोस्त को पुकारना चाहिए ये भी थोड़ा सा हो जाता है। अगर आपका गाड़ी का टायर कहीं रस्ते में पंचर हो जाए तो आप अपने किस सेलिब्रिटी दोस्त को पुकारेंगे फोन? या सेलिब्रिटी दोस्त को तो किसी को नहीं पुकारेंगे, वो आके कौन सा okay, सोचो जाहिद अहमद खड़ा रहते हाथ पे आया नहीं मतलब आपको लगता है कार टायर निकाल के ला रहा है फनी लगेगा यार वाकई। आई डोंट थिंक कोई भी अपने किसी सेलिब्रिटी फ्रेंड को फन में लेके करो ना। कौन सा मैं कह रही हूँ वाकई आएंगे और टायर पंचर होगा? मैं तो सबूर को कॉल करूंगी, वो यारों की यार है, मुझे लगता है वो पहुंच भी जाए। तुम बताओ मुझे टायर ना लगाना आता, वो पहुंच जाएगी। तुम बताओ मैं किसको करूंगा? मैं इमरान को कर दूंगा, इमरान अशरफ को। इमरान अशरफ ओके। अच्छा अगर रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए हाय हाय ये तो क्रेडिट कार्ड भी मैं भूल गया या मेरा क्रेडिट कार्ड नहीं चल रहा और मेरे पैसे खत्म हो गए, फिर किसको फोन करोगे? फन में लेके चलो इसको। मैं मुनीब भट्ट को कॉल करूंगा। हाँ ओके मुनीब का कॉल उठाओगे ना मुनीब प्लीज? आप करके देखे ना आपको फोन बंद मिला। मुनीब किसको कॉल करेंगे? अच्छा रीजन क्या, मुझे क्यों कॉल करेंगे? मैं आप क्या लगता हूँ फॉरन पहुंचूंगा मैं आपको क्या लगता हूँ मुनीब भट्ट ऑलवेज इन रेंज? नहीं वैसे कभी ऐसी जरूरत पड़े आप बिल्कुल कॉल कर सकती हैं। सोचेगा भी नहीं नहीं यार बिल्कुल बिल्कुल। मुनीब तुम किसको कॉल करोगे? सेलिब्रिटी दोस्त मैं कार्ड ना चला या कोई पैसों की जरूरत हुई तो फिर मैं किसी सेलिब्रिटी दोस्त को नहीं कॉल करूंगा। नहीं उसके लिए मेरे और बहुत दोस्त है, मेरे हाँ। दोस्त है साकिब है अच्छा। और मेरे दोस्त है मोहसिन, बहुत सारे दोस्त है मेरे हाँ। वो कोई भी एक दोस्त। अच्छा अब अगर आप किसी लिफ्ट में फंस जाते हैं तो आपकी आपकी दुआ है कि मेरे साथ वो एक्टर हो तो मैं लिफ्ट में फंसूं तो मैं बोर भी नहीं होंगी या होंगा या मतलब उसकी कंपनी अच्छी है वो लिफ्ट में फंसने के लिए कोई मसला नहीं है वो होना चाहिए मेरे साथ क्या होना होनी चाहिए? मुझे तो फवाद खान के साथ लिफ्ट में फंसे बस और ऐसी लिफ्ट फंसे फवाद खान छोड़े वो फवाद खान तो बिजी है अपना। आप बताएं मुनीब आप किसके साथ लिफ्ट में फंसना चाह रहे हैं? ये आप सोच भी सकते हैं कि हेमंत शो नहीं देख रही सो रही है वो तो खुल के बताएं। खुल के बताएं। नहीं मैं किसी दोस्त मेरा मिकाल मेरा बहुत अरे लड़की के साथ जाहिद मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, शहरोज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इमरान अशरफ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। मुनीब क्या ऑपोजिट जेंडर का बताओ, किसी हीरोइन के साथ बताओ ना कि भाई तुम्हारा भी तो कोई क्रश हो सकती है हीरोइन के साथ। ये मैंने एडिशन चार्ज के बाद क्या अरमान खत्म हो जाते हैं? नहीं नहीं खत्म ही हो जाते हैं। तुम जाहिद और इमरान के साथ लिफ्ट में फंसना चाहोगे? यार लिफ्ट में मतलब कोई उन्होंने मेन सेलिब्रिटी यार चॉइस है फ्रेंड्स है ना दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स मजा आएगा। लड़की के साथ मैं क्या करूंगा लिफ्ट में फंस के? मैं क्या मतलब मुनीब शादीशुदा है हाँ। नहीं मगर आज आपको पता चल गया रमशा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। अगर फीमेल सेलिब्रिटी करनी तो रमशा इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उसके साथ मैंने कैसा नसीब किया था वो तो मैंने फंस गया था हाँ तो वो बहुत बहुत मजा आया। अब अच्छी रमशा बहुत अच्छी है। अरे बहुत मजे की बहुत गप्पे अच्छे मारती है। ओके अच्छा अवार्ड शो के लिए कपड़े फाइनल करने हैं हाँ तीन चार ऑप्शंस हैं और उसके बाद जो है वो कोई एक पहनना है, किस सेलिब्रिटी से मशवरा लोगे कि क्या पहने भाई? मैं तो अपनी बेगम से। अब अच्छा हेमंत से हाँ। कि क्या पहनूं ये पहनूं ये पहनूं तुम क्या करोगे? मैं किसी सेलिब्रिटी से तो मशवरा नहीं हाँ मैं ये अगर लेना हो अगर मुझे मैं जुनैद खान से ले सकता हूं। जुनैद खान की बहुत अच्छा फैशन सेंस है हां स्टाइल सेंस बहुत है जुनैद खान का। अच्छा तो आप जुनैद खान और आप नहीं मैं किसी सेलिब्रिटी अगर किसी सेलिब्रिटी मतलब तुम्हें लगता है कि उसका स्टाइल सेंस जरा अच्छा है हाँ चलो अवार्ड में आयशा उमर से मशवरा। आयशा उमर आई थिंक शी इज अ बिग फैशन आइकन हाँ हाँ वो हर तरह के फैशन जो बड़ा अच्छा कह रही और बहुत अच्छा कह रही एग्जैक्ट है ना और वो है भी तो उतना अपना आपको उतना पतला भी तो बनाया है पता नहीं कौन सी रोटी खा खा के इतना ख्याल भी तो रखती है। अच्छा अगर आप किसी हॉरर मूवी के हीरो या हीरोइन कास्ट हुए हैं और आपके पास ऑप्शन है कि जो हीरो हीरो या हीरोइन है वो आप खुद अपनी मर्जी के कास्ट कर सकते हैं तो मैं तो हॉरर की डायन तुम क्या चाहोगे कि तुम्हारा हीरो कौन हो उस हॉरर मूवी? बेलापुर की डायन नहीं अगर कोई हॉरर मूवी हो हाँ एक्चुअली आपको हॉरर के लिए बड़ा पक्का स्ट्रॉन्ग वर्सेटाइल एक्टर होना बहुत जरूरी है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती है एग्जैक्टली तो आई थिंक उमर मुख्तार
बड़े अच्छे एक्टर हाँ, तो मुझे हाँ. ऐसा लगता है कि उन्हें कोई सुपरनैचुरल उमर मुख्तार उस्मान मुख्तार सॉरी उस्मान ने. और तुम मुनीब किसको हीरोइन चाहोगे के यमुना यमुना जैदी और अमर भी दो लड़कियों वाला आजकल तो आपको पता है दो लव ट्रायंगल. अच्छा अब इसी तरह अगर आपको कोई रोमांटिक मूवी ऑफर हुई है और आपको अपना जो हीरो हीरोइन है वो खुद सिलेक्ट करना तो आप किसको कास्ट करवाएंगे भाई रोमांटिक मूवी पहले आप बताइए. नहीं पहले आप बताइए मैं सोच रही हूँ ना. आपने वैसे भी डर के बताना है. आपकी सोच है कि मैं डर के बताऊंगा. तुम तो लिफ्ट में तो फवाद खान सही सोच रहे हो. रोमांटिक मूवी में शायद फवाद खान को ही करा हां एग्जैक्ट है ना एग्जैक्ट हां. चलिए जी मैंने बता दिया. आप अब बताएं आप रोमांटिक मूवी में अपनी हीरोइन किसको ये हो जाए कास्ट तो भाई जबरदस्त मैं फ्री में कर लूंगा. यार मुझे यमुना जैदी एज एन एक्ट्रेस मुझे वो बहुत अच्छी लगती है. लेकिन ये फिल्मी हीरोइन की बात हो रही है यहां ड्रामे की बात नहीं हो रही. आपको लगता है यमुना फिल्मी नहीं है. आई डोंट नो. नहीं शी इज एन अमेजिंग परफॉर्मर यार और है भी क्यूट. रोमांटिक मूवी सोच लो. बताओ यार हेल्प करो क्या बताओ. शर्म माहिरा सबा कमर नहीं नहीं ये तो सब मुझसे बड़ी है यार. तो मतलब ये कि कोई फिल्म ऐसी नहीं हो सकती रोमांटिक के बड़ी और छोटा वैसा भी नहीं है. अच्छा बहुत बोंगा सवाल है वो मैं नहीं करूंगी. अच्छा अब साफ साफ बताओ कि ये तुम लोग खुद भी ड्रामा देखोगे ये वो तो जितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है आपको पता है. अरे कहां सेल्फ ऑब्सेस्ड सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखेगा बैठ के कहां से सेल्फ ऑब्सेस्ड. अच्छा नहीं वैसे मैं ड्रामा अपना जरूर और देखना भी चाहिए ताकि आपको पता चले कि यार मैंने कहां कहां पे क्या क्या मिस्टेक की और कैसे मैं बेहतर. ये जो ड्रामा चल तुम लोगों का है और जो बाकी ड्रामे चल रहे हैं उनसे मुख्तलिफ कैसे होगा ये क्या. मुझे ऐसा लगता है मुझे पर्सनली जाती तौर पे ऐसा लगता है कि इसके जो किरदार हैं वो जैसे मेरा किरदार है अबीर का कैरेक्टर है बहुत फुल ऑफ लाइफ लड़की है बहुत कॉन्फिडेंट है ड्रीम्स हैं गो गेटर है अपने एम्बिशंस या जिसको चाहती है वो हासिल करने के लिए इंडिपेंडेंट है स्ट्रांग है. मुझे लगता है लोग उससे कनेक्ट करेंगे. हमें क्या है आजकल हमने टीवी में या तो सिर्फ पॉजिटिव कैरेक्टर्स देखते हैं या सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स देखते हैं जबकि आम जिंदगी में लोग पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं होते. ओके दे आर अ मिक्स ऑफ ऑल द इमोशंस. अच्छी बात ड्रामे की क्यूडोस टू समीना एजाजी जिन्होंने लिखा है उन्होंने हर किरदार को बहुत वेल राउंडेड बनाया. मुझे कुछ लोगों ने पूछा सोशल मीडिया पे कि इज इट अ नेगेटिव कैरेक्टर तो आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूमन कैरेक्टर. बहुत जब इंसान हर किस्म के उसमें अंग हो फ्लेवर्स हो वो इंडिपेंडेंट भी हो वो स्ट्रांग भी हो उसमें आग भी हो वो रिबेलियस भी हो वो थोड़ा सा मुंह फट भी हो वो इश्क में भी हो वो अब जैसे ये लड़की बहुत मिस्चीवियस भी है बड़ी नॉटी भी है बड़े प्रैंक्स भी थ्रो करती है और बड़ी हसमुख भी है तो जब इतने सारे फ्लेवर्स एक किरदार में आते हैं तो उसमें जान डल जाती है. तो समीना जी ने आई थिंक सांस ले आई होप कि वो कहते सांस ले सांस ले आई होप कि इंशाल्लाह वो चीज ये मुझे लगा डिबेटर रह चुकी है लेकिन प्रमोट करने आए हैं क्या करने आए हैं यहां पे. कमर्शियल ब्रेक ले लो एक इतनी एक ही सांस चलो तुम भी अब तुम्हारी बारी है ना. अब मैं क्या बताऊं सब उससे बोल अपने कैरेक्टर के मुझे लगता है कि लोग इससे रिलेट नहीं करेंगे नहीं कर भी लेंगे. बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे प्ले बॉय किस्म के और अक्सर लोग लड़के तो मोस्टली आपको जो है वो ऐसे नजर आएंगे जो हाँ. एक वक्त पे दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड्स और उसके बाद शादी करने के लिए अम्मी मना कर देती ना अम्मी ने मना. लड़कियां इस मामले में कंपैरेटिवली बहुत अच्छी होती हैं. बिल्कुल लड़कियां और खासतौर पर पाकिस्तानी लड़कियां मैं कहता हूँ कि लॉयल्टी के हिसाब से सिंसेरिटी के हिसाब से अपने जो बॉयज हैं उनके साथ बहुत सिंसियर होती है कंपैरेटिवली टू द गाइज. ठीक है तो ये जो है मुझे लगता है कि इस तरह का कैरेक्टर जो है ना वो लोग इससे बहुत
रिलेट करेंगे क्योंकि अक्सर जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में लड़के दो दो तीन तीन गर्लफ्रेंड्स रखते। अच्छा, एक अगर तुम लड़कियों को टिप देना चाहो जो इस तरह की बच्चियां लड़कियां यंग होती हैं मासूम होती हैं उनको कोई टिप दे दो ना कि अगर लड़का आपसे फ्लर्ट कर रहा है तो उसकी कुछ ये निशानियां हैं। यार पहले भी मैं बता चुका हूं, चलो दोबारा बता देता हूं, कोई भी लड़का अगर आपको पसंद करता है तो अच्छा मैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में मैं बिलीव ही नहीं करता। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक डिलेइंग टैक्टिक है और ये सिर्फ जो है ना एक मतलब कि एक बहाना, मुझे लगता है टाइम पास है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई रिलेशनशिप नहीं होता भाई, ठीक है। होता क्या है, अगर मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, जब मेरी एमन से शादी हुई थी, एमन की और मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी है फॉर एग्जांपल अप्रैल में और मैंने जून या जुलाई के एंड में मैंने और उस दो महीने में भी मैंने उसको ये नहीं बोला कि अच्छा हम देखेंगे हमारी कंपेटिबिलिटी क्या है। भाई अगर मुझे कोई लड़की पसंद है खत्म हो गई बात, मैं अपने घर वालों को बोलूंगा, उसके घर वालों को बोलूंगा, रिश्ता भेजूंगा। आप रिश्ता पक्का करो। लड़कियों को टिप क्या दोगे कि ये पकड़ ले, जो लड़का आपके साथ सिंसियर होगा, जो लड़का आपके साथ आपको ओन करेगा वो आपको खुद ही नजर आ जाएगा उसकी हरकत उसकी चीजों से। उसकी पट्टी बंदी होती है ना लड़कियों के, बस जिसकी आँख पे पट्टी बंदी होती है उसकी आँख की पट्टी कोई नहीं खोल सकता सिवाय उसके खुद के, ठीक है। और अगर इस तरह का लड़का अगर आपको मिले जो आपको आप खुद ही पता लग जाता है लड़कियों से ज्यादा, आप हम समझते हैं लड़कियों को बेवकूफ, हम समझते हैं कि ये मासूम है बेवकूफ इनको कुछ पता नहीं है, लड़कियों से ज्यादा खवातीन से ज्यादा तेज, तेज से मुराद ये कि इंटेलिजेंट इंस्टिंक्ट होता है उनको, उनको पता होता है कि यार ये बंदा अगर सामने ये खड़ा हुआ है तो इसकी क्या नियत है इसकी क्या है, उनको सब पता होता है। और अल्लाह ताला ने उनके अंदर ये एक बाइबिल्ट उनके अंदर एक हिस दी है, दिस इज राइट, उनको पता चल जाता है खुद ब खुद की यार इसकी नजर में ये इसकी नजर में वो है। तो वो मुझे लगता है कि मोहब्बत की पट्टी उतार के जिंदगी की सच्चाई जो है उसको देखना बहुत। मैं भी सांस ले लेता हूँ। तो जी बहुत बहुत सारी दुआएं उस बद्दुआ के जो आज रात आप 8 से 10 देखने वाले हैं एयरवाइड डिजिटल पर। मुनीब और अमर जो है ख़ास तौर पे आपको यही बताने आए थे कि बड़ी मेहनत से ड्रामा बनाया गया है, आप ज़रूर अपना टाइम इन्वेस्ट करें और फिर उसके बाद डिसाइड करें भाई आगे चल के कि आपने इसे फॉलो करना है कि नहीं। बड़ा ज़बरदस्त रिलेटेबल ड्रामा है ये, तो इंशाल्लाह मेरी दुआएं कि आप लोगों का ड्रामा हिट हो, रेटिंग हाई और आपकी मेहनत वसूल। थैंक यू सो मच। एक छोटा सा वक्फा जी, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अब बद्दुआ के बाद और क्या चाहिए तुम लोगों को, देखिए। वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है माशाल्लाह से शाइस्ता लोधी के 3 क्लिनिक्स हैं जिसमें से एक क्लिनिक जो कि शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर है जो कि नॉर्थ नाजमाबाद में है, उसके डेंटल क्लिनिक को लेकर आज मैं आपको कुछ फैसिलिटीज़ बताना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ और उनमें काम करने वाले काबिल डॉक्टर से आपकी मुलाकात करवाना चाहती हूँ जो आपको बेहतरीन सर्विसेज एंड इलाज प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे साथ शामिल हैं जी आज डॉक्टर फहद अहमद जो कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन है, BDIS RDS NMS। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम मैम। फिर हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर बुशरा सलीम जो BDS RDS हैं एंड डॉक्टर अमल साजिद BDS RDS। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आपको हम वेलकम करते हैं शो के ऊपर और जो फैसिलिटीज़ ऑब्वियसली आप सारी डेंटल फैसिलिटी। एक चीज़ जो कि बहुत आम है मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ ये जो हम की पेशेंट है इनके दांत जरा स्माइल करके दिखाओ, एक मिनट ज़रा क्लियर, अगर आप इनके दांत देखें ऑन स्क्रीन दिखाने दें, ठीक है। हाँ ओके ये देखें दांत, बहुत अक्सर आम आवाम अपने चेहरे पर पूरा मेकअप भी कर लेते हैं, बहुत सारे फिलर्स वगैरह सब लगा लेते हैं, लेकिन देखिए जब आप स्माइल करते हैं तो आपके दांतों का कलर ये होता है और इसका हल क्या है, इसका हल क्या है डॉक्टर प्लीज़ आप बताइए, आप लोगों के क्लिनिक पे ऐसी क्या फैसिलिटी है कि इनके दांतों को आप वाइट कर सकते हैं, एक खूबसूरत स्माइल दे सकते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं बताएं। बेसिकली वाइटनिंग ट्रीटमेंट जो है वो डेंटल कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट में आता है जो कि हम उन दांतों पे करते हैं जिसमें जनरलाइज डिसकलरेशन होती है, यानी कि दांत पीले होते हैं या फिर परमानेंट स्टेन्स होते हैं, उन दांतों पे हम ज़्यादा करते हैं और ये इस वजह से होते हैं जो लोग बहुत हाईली पिगमेंटेड फूड इनटेक करते हैं या फिर ड्रिंक्स लेते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गई चाय कॉफ़ी पान छालिया, उन पेशेंट्स में ये हम ज़्यादा सिगरेट बिल्कुल बिल्कुल
तो उन पेशेंट्स में ये ज़्यादा इंडिकेट होता है. और ज़्यादातर ब्राइड्स हो गई या जिनके फंक्शंस होते हैं वो आते हैं हमारे पास वाइटनिंग ट्रीटमेंट के लिए, और उससे जो है दांत जो है वो हम वाइट करते हैं, स्टेन्स रिमूव करते हैं. कुछ हमें थोड़ा सा रिजल्ट दिखा सकते हैं आप लोग की वाइटनिंग, टीथ वाइटनिंग होने के बाद क्या डिफरेंस आता है? लाइक अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो एक बाकायदा क्लियर पीले दांत, हड्डी का कलर, किसी का बाय बर्थ भी ऐसा होता है, उसके बाद ये वाइटनिंग इस तरह की हो जाती है ना? जी बिल्कुल. हमने एक मॉडल के करीबी भी है टीथ वाइटनिंग. अगर आप क्लोजअप देखें तो इनके हम कर चुके हैं, इनका प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है. अच्छा जी, ये हमारे सामने ये पेशेंट मौजूद भी है जिनकी पिक्चर भी हम आपको ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं, और ये यहाँ बैठी हुई है. तो इनकी टीथ वाइटनिंग, जी इनकी टीथ वाइटनिंग कंप्लीट हो चुकी है. ठीक है. अच्छा अब मुझे बताइए कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, कितना वक्त लेता है? आप जैसे क्लिनिक पे सुबह गए हैं, कब फ्री होंगे, क्या तरीके? नो, हार्डली टेक्स 40 मिनट. 40 मिनट्स में हो जाता है. 3 साइकिल्स होती हैं, डिपेंड करता है. अच्छा. अगर तो बहुत ही ज़्यादा येलो है तो उसमें ऑब्वियसली हमें साइकिल्स रिपीट करना पड़ती है. 15 to 20 मिनट्स की एक साइकिल होती है. ओके. और ये क्या होता है, कोई लिक्विड लगता है? प्रोसीजर क्या होता है? ब्लीचिंग करते हैं तो ऑब्वियसली एक जेल लगती है. अच्छा. वो लगाते हैं एंड वी लीव इट फॉर 15 to 20 मिनट्स. और दो तरह की टीथ वाइटनिंग होती है, एक लेजर वाइटनिंग होती है एंड द अदर वन इज द नॉर्मल वाइटनिंग. आप लोग कौन सा करते हैं? हम दोनों कर रहे हैं. अच्छा, लेजर से क्या होता है, कोई मशीन होती है जिससे लेजर से होती है? यस. और जो दूसरा प्रोसीजर है वो जेल वाला? जी. ठीक है, ठीक है. अच्छा जी. अच्छा डॉक्टर फहद, अब दांतों का प्रॉब्लम एक और होता है, एक तो ये वाइटनिंग वाला तो एक हो गया आम, और दूसरा होता है कि ब्रिज एंड क्राउन. बहुत सारे लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं, या वो आर्टिफिशियल दांत बनवाना चाहते हैं कि भाई हमें इस तरह के दांत बन, वही होता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल. ब्रिज मैम ये होता है कि एक प्रोसेसिस है, आर्टिफिशियल दांत है, जो 2 से 3 दांत अगर दांत पेशेंट के मिसिंग है तो हम रिप्लेस कर सकें. ठीक है. और कैप या क्राउन जिसको कहते हैं हम, वो सिंगल दांत के लिए, जो फॉर एग्जांपल चोट लगने की वजह से या कैविटी वजह ख़राब हो जाए, जिसकी रूट कनाल करनी पड़ जाए, उन दांतों पे हम उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ताकि लॉन्ग टर्म चल सके क्राउन, वो हम कभी फ्रैक्चर हो जाता है, एक्सीडेंट से भी आपका जबड़ा टूट जाता है. तो फिर वो डिफरेंट केसेस होते हैं, फिर पेशेंट की विलिंग होती है क्या वो चाहता है. इम्प्लांट भी हम इस पेशेंट ऐसे करते हैं जो कंडीशंस होती हैं उनकी, मेडिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है, जो जॉब उनके अंदर. अच्छा, अब जैसे अभी हम पिक्चर ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं बिफोर, ये देखें ये वाला दांत क्यों उतरा गया है, क्या वजह हुई है? पेशेंट की कंप्लेन हमारे पास थी कि पेशेंट को इन्फेक्शन ज्यादा हो गया था, जिस वजह से हम सेफ नहीं कर सके, वो दांत को एक्सट्रैक्ट आउट किया. उसके बाद फिर हमने प्रोसेशन का प्रोसेसिस लगाया, फिक्स ब्रिज लगाया है ताकि एस्थेटिक की ऑक्लूजन, फंक्शनल ऑक्लूजन अच्छी हो सके. ठीक है. अगर आपके पास ऐसे जनरली कोई केस है तो आप मुझे दिखाएं ताकि मैं लोगों को समझा सकूं. बिल्कुल, मैं दिखा कि ये प्रोसीजर आपके क्लिनिक पर होता है. जी, कहाँ हैं? आ जाएं, आ जाएं, जल्दी आएं, इस तरफ आइए, आगे से आइए, आगे से आइए, जल्दी से उधर बैठ जाइए. शाबाश. अच्छा, ये जो पेशेंट हम ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं, ये पेशेंट यहाँ बैठ जाइए, यहाँ ये दांत आप देख रहे हैं, इनके दांत ऊपर से बिल्कुल नहीं है. और क्या कहते हैं इस प्रोसीजर को? ब्रिजिंग. ब्रिजिंग, ब्रिजिंग, डेंटल ब्रिजेस. हाँ, ब्रिजिंग होने के बाद क्या दिखाएंगे प्लीज? हाँ, मास्क उतारिए. जैसे कि ये मेरे पास पेशेंट आई थी, ठीक है, ये फॉल का केस था, एक्सीडेंट का, गिर गई थी, ठीक है, इनके सामने के दांत टूट गए थे, जो दांत अंदर रह गए थे तो उनको हमने निकाला. ठीक है. उसके बाद पेशेंट ने कहा कि मुझे फिक्स दांत चाहिए. अच्छा. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने ये प्रोसेसेस, फिक्स प्रोसेसेस बनाते हैं. ठीक है, ये ब्रिज का ऑन स्क्रीन जरा इस तरह इनके नाप के हिसाब से, नाप के अकॉर्डिंगली ये ब्रिज बनाए. अभी कैसे फिक्स होगा क्या? ये मटेरियल्स होते हैं, नेचुरल मटेरियल्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अकॉर्डिंग अंदर जाके फिक्स हो जाता है. कुछ आप ड्रिल करते हैं? कुछ ड्रिल नहीं होते, सीमेंट्स होती है, डेंटल सीमेंट्स होती है, जो कि हम प्लेस करके और यहाँ फिक्स कर देते हैं, जो कि अभी मैं करके आप करके दिखाएंगे. देखिए, बहुत सारे लोग ये कॉस्मेटिक सर्जरी के तौर पर भी करवाते हैं कि उनको अपने दांत नहीं पसंद, वो टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो एक पूरे प्रॉपर, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, बहुत सारे लोग, शक्ल चेंज हो जाती है इस चीज से. हाँ, मतलब काफ़ी लेटेस्ट तरीके आ गए हैं दांतों की खूबसूरती. अगर आपकी शक्ल को पूरा एक चेंज लुक दे देता है दांतों की वजह से, आप कोई और ही लगने लगते हैं, एक इम्प्रूवमेंट आपकी ज़िंदगी में आती है. स्माइल मेकओवर हो जाता है इस, ये सारी चीज़ें उसी का एक पार्ट है उस ट्रीटमेंट का. अच्छा. कंप्लीट स्माइल, मतलब इसको इम्प्लांट भी कहते हैं? नो, दिस इज इम्प्लांट इज डिफरेंट. जी, दिस इज ब्रिज.
दिस इज कॉल्ड ब्रिजेस. इस प्रोसीजर को कहते हैं ब्रिजेस. और अब अगर आप लाइक आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है, जैसे ये तो गिर गई हैं, इनके दांत टूट गए हैं, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप अपने दांतों से खुश नहीं है कि मेरे दांत बहुत टेढ़े मेढ़े हैं और वो बराबरी नहीं है, तो फिर आप तब भी ये प्रोसीजर करवा सकते हैं अपने? डिपेंड करता है, अगर तो मेल अलाइंड हैं, टेढ़े मेढ़े हैं, तो हम लोग ज़्यादा ब्रेसेस प्रेफर करते हैं. अच्छा, ब्रेसेस प्रेफर करते हैं. बट ऑब्वियसली कुछ जो सेलिब्रिटीज़ या मीडिया में जो लोग होते हैं, उनको कंप्लीट स्माइल मेकओवर चाहिए. लेकिन आजकल तो आम पब्लिक को भी ये चीज़ चाहिए, वो अवेलेबल है फैसिलिटी जी, तो ये कंप्लीट. कुछ लोगों के दांतों के बीच में गैप्स होते हैं, राइट, उसमें हम लोग ज़्यादातर ब्रेसेस जो है वो प्रेफर करते हैं. बट अब ब्रेसेस भी ऑब्वियसली दो तरह के आ चुके हैं. ओके, तो अब आप ये देखिए कि मतलब लाइक ये फिक्स हो जाएगा और ये ताहयात होगा. बिल्कुल, ये रहता है इनकेस अगर सीमेंट वीक होता है तो ये निकल आते हैं, लेकिन दोबारा प्लेस हो सकते हैं. लेकिन ये एस्थेटिक. प्लीज आप थोड़ा बैठेंगे, अभी टेम्पररी लगा हुआ है. टेम्पररी लगाया है मेरे, ठीक है. देखिए एस्थेटिकली अच्छे हो गए दांत, पेशेंट का कॉन्फिडेंस आ गया, देखिए उसकी स्माइल अच्छी हो गई. हाँ, और कॉन्फिडेंस आपका वापस आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अब जैसे अक्सर होता है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो पूरी ज़िंदगी से सिगरेट पी रहे होते हैं या पान खा रहे होते हैं और उनके दांत बिल्कुल ही फारिग हो चुके होते हैं, उनके लिए भी ये बेहतर ऑप्शन है? उनके लिए फिर ट्रीटमेंट होता है मैम हमारे पास, हम कोशिश करते हैं कि उनकी स्माइल हम बेहतर कर सकें. हाँ. तो फिर हम उनकी स्केलिंग पॉलिशिंग करके उनका स्टेन रिमूव करते हैं और फिर ब्लीचिंग करते हैं. और अगर नहीं होता तो आपके पास ये हाल है, ये ऑप्शन भी होता है. और वीनियर्स हमारे पास होता है, जो हमारे पास क्या होते हैं वीनियर्स? वीनियर्स होते हैं कि फेशियल सर्फेस पे दांत की जो सिर्फ होते हैं कि प्रोस्थेसिस होते हैं, आर्टिफिशियल दांत होते हैं जो कि दांत की सर्फेसिस पे लगते हैं. ये होता है कि दांत की सरफेस आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है. क्योंकि एक जमाना होता था कि जी 32 ही लगाई हुई है, 32 ही निकाल रहे, क्या वो जमाना अब चला गया ना? मतलब आप उसे फिक्स कर सकते हैं. बिल्कुल, आप जो 32, जैसे कोई पेशेंट कहता है कि मैं कंप्लीट डेंचर यानी 32 ही नहीं लगा सकता, तो उन पे भी ये होता है कि हम इम्प्लांट डाल के उनकी कंडीशन को देखते हुए हम फिक्स दांत लगा सकते हैं, तो पेशेंट भी ये होता है कि कंफर्टेबल हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है. ठीक है. अच्छा, अब हम चलते हैं ब्रेसेस के, ब्रेसेस की तरफ चलते हैं. आप एक ज़माना है कि लाइक जो बच्चे हैं उनको 12 साल की उम्र से लगा सकते हैं. जी, जब परमानेंट डेंटेशन कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद हम लगा सकते हैं. अच्छा, जब सारे टूथ इरप्ट हो जाएं तो उसके बाद वी कैन गो फॉर ब्रेसेस. ब्रेसेस भी दो तरह किस वजह से लगते हैं ये भी बताइए. बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, मेल अलाइन टेढ़े मेढ़े दांत हैं या दांतों में स्पेसिंग है, गैप है, तो ऑब्वियसली एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगता. जो अब टाइम चल रहा है इतना ज़्यादा एस्थेटिक्स का, तो इसमें सबसे ज़्यादा हम यही प्रेफर करते हैं कि अलाइनर्स पे जाएं. अब तो एक न्यू टेक्निक निकली है. अच्छा, जैसे मेरे दोनों बच्चों के ब्रेसेस लगे हैं और वो वाले लगे हैं जो सिल्वर मेटल मेटल ब्रेसेस, बड़े तकलीफ भी होते हैं. जी जी, पेनफुल भी होते हैं और फिक्स्ड होते हैं. हाँ, दे कांट रिमूव इट. और उसके साथ कुछ आपको प्रिकॉशंस भी करने होते हैं, दांत साफ भी नहीं सही से कर सकते, ब्रैकेट निकल गया, कोई ऐसी कड़क चीज नहीं खा पाते, तो ये जो अभी एडवांस हो जाती है सारा प्रॉब्लम्स होते हैं. तो ये जो अभी एडवांस एक न्यू टेक्निक है, ये दीज आर कॉल्ड अलाइनर्स. अच्छा, जी, ये ट्रांसपेरेंट ट्रेज होती हैं. और सबसे अच्छी चीज इसकी ये कि कोई भी लाइक यू नो मीडिया में भी जो लोग हैं, ऑब्वियसली उनका तो मेटल ब्रेसेस तो वो लोग इतना प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन. इससे आप ये निकाल के अपने दांतों की सफाई भी प्रॉपर कर सकते हैं. जी जी, यू हैव टू वेयर इट फॉर 20 आवर्स. ओह, और फिर आप निकाल सकते हैं, रात को निकाल के सो भी सकते हैं. अगर नहीं, वो क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम स्पेंड 20 घंटे आपको चाहिए, 20 घंटे पहनने होते हैं. एवरी 14 डेज आपकी सेट ऑफ ट्रेस जो है वो चेंज होते हैं. अच्छा, ये अलाइनर्स कहलाते हैं. एग्जैक्टली जी, और ये नई टेक्निक है जो ब्रेसेस को सब्स्टिट्यूट करती है. जी, और हमारे यहाँ तो खवातीन आजकल यही चाहती हैं कि ट्रीटमेंट भी हो रहा है और किसी को पता भी ना चले. एग्जैक्टली, तो दिस इज वेरी गुड ऑप्शन. अच्छा, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं इस वक्त, ये इम्पैक्ट आता है ना अगर अलाइनर्स लगे होते हैं तो पता ही नहीं चलेगा. जैसे आफ्टर जो लगी हुई चीज अलाइनर्स लगे हुए, उसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपके मुंह के अंदर ब्रेसेस हैं. एग्जैक्टली, ट्रांसपेरेंट है, वो पता भी नहीं चलता, तो सोशली भी एक्सेप्टेबल भी है. ट्रीटमेंट भी हो रहा है, किसी को पता भी नहीं चल रहा. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग. और मेटल ब्रेसेस की अपनी अलग इंडिकेशन है, बट माइल्ड टू मॉडरेट केसेस जो हैं ये हम इससे ठीक कर सकते हैं. अच्छा, अभी भी आप देख रहे होंगे ऑन स्क्रीन डॉक्टर फहद, ऑन स्क्रीन अभी हम दिखा रहे थे कि लाइक बिफोर आपके केसेस हैं ये जो हम दिखाना चाह रहे हैं कि शायस्ता लोधी मेडिकल क्लिनिक पर
मेडिकल सेंटर पर, सॉरी, ये आपकी जो क्लिनिक है उसमें ये प्रोसीजर्स आपने? बिल्कुल, ये मेरा केस है डॉक्टर शास्त्री लोधी मेडिकल सेंटर में, एक पेशेंट आया था, ये 5-6 साल से 6 से 7 साल खा रहा था, इसका हमने प्रोसीजर किया था, पहले स्केलिंग पॉलिशिंग की है, अच्छा, फिर उसकी वाइटनिंग करके उसका रिजल्ट आपके सामने है, फिर हमने जो क्राउंस लगाने थे 1-2 क्राउंस लगा के उसकी फिनिशिंग की। मतलब आप सोचिए, उस अगर आप देखते हैं पूरा प्रोसीजर तो आपने जिंदगी बदल दी इस बंदे। बिल्कुल, बिल्कुल, उसकी पूरी पर्सनैलिटी तबाह हुई थी दांतों की वजह से। बिल्कुल, तो वो फाइनल रिजल्ट पे एक पेशेंट में एक खुशी की होती है जिसके कहते वो आ गई थी। ठीक है, अच्छा, जैसे कि हमेशा ऐसा होता है, डॉक्टर शाइस्ता हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखती हैं कि आज उन्होंने अनाउंस कराया है 50% ऑफ दिया जा रहा है जी इस क्लिनिक की तरफ से, और कितने दिन तक ये पता है किसी को? एंड ऑफ सितंबर, एंड ऑफ सितंबर तक 50% ऑफ दिया जा रहा है जो भी अपने। और मेजर ट्रीटमेंट्स हम जरा गिनते हैं कि कौन कौन से हैं, जैसे लाइक रिजेस हो गए, वाइटनिंग हो गई, स्केलिंग पॉलिशिंग, रूट कनाल्स हो गई, फिलिंग्स हो गई, डिफरेंट टाइप्स की फिलिंग्स हो गई, एक्सट्रैक्शंस, जिसको भी अपने आप को खूबसूरत बनाना है, अपने दांतों के जरिए अपने आप को और कॉन्फिडेंट बनाना है, वो अवेल करे, बुकिंग कराए, क्योंकि एंड ऑफ सेप्टेम्बर तक यानी एक हफ्ते के लिए आपको 50% ऑफ दिया जा रहा है शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर की तरफ से, डेंटल क्लिनिक की तरफ से। ओके, कुछ और है जो आप लोग हाईलाइट करना चाहेंगे अपने हिसाब से, या हमने सारी बातें कवर कर ली? बस मेडिकल सेंटर के बारे में बताना चाहेंगे कि यहाँ का स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, हाइजीन का बहुत ख्याल रखा जाता है, और डेंटल इंस्ट्रूमेंट बहुत स्टरलाइज्ड होते हैं प्रॉपर बिफोर आफ्टर पेशेंट, यानी डिसइंफेक्ट किया जाता है। ठीक है, इस चीज़ों का बहुत सारी लेटेस्ट मशीन है, गायनेकोलॉजिस्ट है, फैमिली मेडिसिन है, अंडर वन रूफ ही बहुत कुछ हो रहा है, एस्थेटिक्स कर रहे हैं, डेंटल कर रहे हैं, गायनी की हमारे पास डॉक्टर्स हैं, फैमिली मेडिसिन के हैं, तो एवरीथिंग इज इन अंडर वन रूफ। ओके जी, तो ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपने बहुत कुछ इन्जॉय भी किया होगा, साथ हमने इन्फॉर्मेशन भी शाइस्ता लोधी मेडिकल सेंटर की तरफ से आपको दे दी है कि ये डेंटिस्ट्री भी इधर होती है, आप जाइए और अपनी प्रॉब्लम्स का हल निकालिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल, दुआओं में याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के, हवा के साथ झूम के, हाँ गोल गोल घूम के, यूं गुनगुना रही है वो, सबको जगा रही है वो, हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है।